चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अरुणा जी, रॉयल गेमिंग जी, पार्श्वा जी। जी, आज की हमारी क्लास केस स्टडी 12 पे हैं। ये केस स्टडी थोड़ी सी ट्रिकी है और FR के स्टूडेंट्स के लिए नए टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इंडिया 37105 एक साथ हम लोग डील करने वाले हैं और आप टोटली नया क्वेश्चन देखेंगे जो आपने अपनी FR की मॉड्यूल में RTPs MTPs कहीं पे भी फेस नहीं किया होगा। हम टुकड़ों में पढ़ेंगे पूरी की पूरी कहानी। मतलब ऐसे देखा जाए तो पूरी एक केस स्टडी है, पर मैं इन्हें टुकड़ों में ब्रेक करके आप लोगों को एक 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 सवाल पूछूंगा। तो तैयार रहिएगा, नए क्वेश्चंस है। अच्छे से कोई भी चीज़ का कंसेप्ट जब मैं पूछूंगा तो एक बार रिकॉल कर लेना कि उसका कंसेप्ट क्या है और उसके बेसिस पे जवाब दीजिएगा। चलिए, और भी कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। गुड इवनिंग रोहित जी, किरण जी, ऋषभ जी, ऋषभ सोनी जी और ऋषभ गुप्ता जी। चलिए, तो कहानी यहाँ तक के कुछ ऐसी है कि आपको बताया गया है कि एक एंटिटी है जो लिक्विडेट उनका होने का सोच रही है, ठीक है। इन्हें फंड्स की ज़रूरत है, यानी बिजनेस बंद नहीं करना है। उनके कुछ एसेट्स, कुछ एक्सपेंसेस, उन सबको ये लोग लिक्विडेट करने की कोशिश कर रही है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको क्लोज करने की कोशिश कर रही है। ये सब बातें बताई गई है। इनिशियल थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। इसमें कंप्लायंस एंड सिंस लिक्विडिटी एट्स फाइनेंशियल पोजिशन डज नॉट लुक गुड इन 2002। हम 2003 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। 2002 में फाइनेंशियल पोजिशन इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। उनकी एक पेरेंट कंपनी है जे, ठीक है, किसी और कंट्री में जहाँ आउटफ्लो ऑफ फंड्स अंडर स्कैन रहते हैं, यानी आपको अगर वहाँ फंड्स भेजना है तो थोड़ा बहुत उसके अंदर स्कैनिंग रहती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनके सारे के सारे जो लोन रिसीवेबल है, पेरेंट कंपनी के लोन रिसीवेबल पूरे अपनी सब्सिडियरी को दे दिया। पहला सवाल मेरा आप लोगों से यहाँ इससे रिलेटेड है, ठीक है। हुआ क्या, पेरेंट कंपनी फॉरेन में, आप बैठे हो इंडिया में। अब जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी को कुछ रिसीवेबल्स है जो इंडिया से रिकवर करने हैं पेरेंट को, पर अंडर स्कैनिंग है, अलाउड नहीं होगा शायद फंड को ट्रांसफर करना, या फंड ट्रांसफर के ऊपर बहुत सारे सवाल होते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चनेयर होते होंगे इससे पहले कि आप ट्रांसफर करें। जैसे केमैन आइलैंड्स के साथ इंडिया का इस तरह का डील रहता है। तो अब पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत है, तो होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, अपनी सब्सिडियरी को सारे रिसीवेबल दे दिए, बोला जा तू कलेक्ट कर ले, ठीक है, पैसे लौटाना भी मत, जा तू कलेक्ट कर ले, पैसे लौटाना भी मत। इसकी अकाउंटिंग होल्डिंग कंपनी कैसे करेगी और सब्सिडियरी कैसे करेगी, आप किसी एक का बता दीजिए। या तो होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी का आंसर करने की कोशिश कीजिए। बताइए मुझे, होल्डिंग कंपनी अकाउंटिंग करेगी तो कैसे करेगी, या सब्सिडियरी अकाउंटिंग करेगी। आप दोनों में से किसी एक का आंसर दे दीजिए और लिखते समय लिख देना एच अगर होल्डिंग बोल रहे हैं और सब्सिडियरी बोल रहे हैं तो एस। सब लोग ट्राई करेंगे, फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए। गुड इवनिंग अमित जी, गुड इवनिंग अर्जुन जी। रॉर गेमिंग जी का कहना है सर होल्डिंग इसे इन्वेस्टमेंट डील करेगा। क्या बात है, गजब गजब। पहला आंसर हम लोगों के पास आ चुका है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अरे यार, होल्डिंग कंपनी इसे डील करेगा एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे हाँ, ये एसोसिएट नहीं है, सॉरी, सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी। क्या बात है, वेरी गुड अर्जुन जी, वेरी गुड विवेक जी, क्या बात है। और एग्जैक्ट रिवर्स सब्सिडियरी लिख देगा, है ना। सब्सिडियरी से इक्विटी अकाउंट करेगा, ट्रेड रिसीवेबल टू अदर इक्विटी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले सवाल का जवाब आप लोगों ने एकदम सही दिया है। एज पर इनिशियल ट्रेड टर्म, द ट्रेड रिसीवेबल्स 90 दिन से 12 महीने के बीच में है और एनालिसिस बताता है 75% ऑफ द रिसीवेबल 9 से 12 महीने के अंदर अंदर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 75% तो करंट नॉन करंट बाइफर्केशन की बात हो गई यहाँ तक। यहाँ से हमारी मेन कहानी शुरू होती है और अब यहाँ से हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। सब कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, सब कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, करेक्ट पार्श्वा जी। वो इक्विटी हेड में जाएगा, वो एक चीज़ आपने नहीं लिखा है पर वो आपको क्लियर होगा ऐसा मुझे समझ में आता है। विवेक जी ने भी वही लिखा है और गेमिंग जी ने भी वही लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, मैनेजमेंट ऑफ जी लिमिटेड हैज ऑलरेडी बीन एक्टिवली इन्वॉल्व एंड लुकिंग फॉर डिस्पोजिंग टू ऑफ इट सब्सिडियरीज। हम दो सब्सिडियरीज को डिस्पोज ऑफ करने का सोच रहे हैं, एक्स एंड वाई, फॉर इंप्रूविंग द लिक्विडिटी एंड स्ट्रीमलाइनिंग इट्स ऑपरेशंस, ठीक है। अपन दो सब्सिडियरी को बेच देंगे, लिक्विडिटी का इशू है, पैसे की जरूरत है। इसीलिए करंट स्टेटस क्या है उसकी बात हो रही है। सबसे पहले हम एक्स की बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान देने का। उन्होंने पहले ऊपर बोल दिया कि हाँ भाई हम लिक्विडेट कर रहे हैं। अब एक्स की सिचुएशन क्या है, ये एक डोरमेंट कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है। डायरेक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि फिलहाल इसमें कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, ये डोरमेंट कंपनी है, ठीक है, डोरमेंट कंपनी और फिलहाल इसमें किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। रिवाइवल का भी प्लान नहीं है, नो प्लान्स फॉर रिवाइवल,
मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट ऑन 1 मई 2002। अब अपना साल का ईयर एंडेड 31 मार्च 2003, ठीक है, उसके पहले 1 मई हम एक बाइंडिंग एग्रीमेंट में भी जा चुके हैं। फॉर ऑल इस एसेट्स, इसके जितने भी एसेट्स है उसको बेचने के लिए हम लोग बाइंडिंग एग्रीमेंट भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बोला इसमें सिर्फ एक बिल्डिंग है और एक पीपीई है, सिर्फ दो ही एसेट है आपके पास, एक पीपीई है एक बिल्डिंग है, कोई करंट एसेट्स नहीं, कुछ भी नहीं। इतना पढ़ के आपको क्या लगता है, क्या ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, क्या ये डिस्पोजल ग्रुप है, या ये नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल है? तीनों ही इंडेस 105 में आते हैं, है ना, तीनों ही इंडेस 105 में आते हैं। क्या ये नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के हिसाब से हम लोग इसका आंसर करेंगे, डिस्पोजल ग्रुप के हिसाब से करेंगे, या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस? वैसे मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आप लोग तब तक के आंसर कीजिए। इन तीनों में से किसी में भी जाए, इंडेस 105 में ट्रीटमेंट एज सच बदलता नहीं है, एक ही ट्रीटमेंट का फर्क होता है, जो डिस्पोजल और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में सेम ट्रीटमेंट होता है, और नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होता है। फर्क क्या होता है ट्रीटमेंट का, मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास दो एसेट्स है, एक का कैरिंग अमाउंट 10 है, दूसरे का कैरिंग अमाउंट 12 है, और रिकवरेबल अमाउंट एक का 8 है और दूसरे का 15 है, या 15 की जगह मैं लिख देता हूँ 13 है, ठीक है। अगर ये नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल है तो हम इंडिविजुअली चेक करेंगे, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल है तो इंडिविजुअली हम लोग चेक करेंगे कि कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर। पर अगर ये डिस्पोजल ग्रुप है या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, तो हम एग्रीगेट बेसिस पे चेक करेंगे कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट, बस इतना सा फर्क होता है, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं होता है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, सब लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे पास कुछ आंसर्स है, एक आंसर है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसके बारे में अपन बात करेंगे। विवेक जी का कहना है डिस्पोजल ग्रुप, आप में से कुछ लोगों ने कहा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो नहीं है, क्यों नहीं है, ये पहली लाइन के ऊपर मैंने हाईलाइट किया था, आपका कोई बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, आप तो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यार अपन क्या बिजनेस कर लें, तो ये ऑपरेशन तो है ही नहीं, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं हो सकता। हाँ, ये नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल हो सकते हैं, पर हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक पीपीई है, हमने दोनों का एक कॉमन एग्रीमेंट किया है, तो रादर देन कॉलिंग देम एज इंडिविजुअल एसेट्स, मैंने इनको बोलना चाहिए कि एक डिस्पोजल ग्रुप है, क्योंकि हमने एग्रीगेट बेसिस पे भेज दिया। ऐसा सोचिए कि मेरी एक बंद फैक्ट्री पड़ी है, एक फैक्ट्री है जो बंद है, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो नहीं है। अब मैं इस फैक्ट्री को बेचने निकाल देता हूँ, तो मैं फैक्ट्री, फैक्ट्री की जमीन, फैक्ट्री के अंदर की मशीनरी सब कुछ एक साथ बेच रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा डिस्पोजल ग्रुप है। पर अगर मैं इंडिविजुअली भी बेचने के लिए तैयार हूँ, मतलब कोई सिर्फ जमीन ले ले, कोई सिर्फ फैक्ट्री बिल्डिंग ले ले और कोई सिर्फ मशीनरी या इक्विपमेंट ले ले, आप बोलोगे सर फैक्ट्री बिल्डिंग कैसे लेगा, फैक्ट्री बिल्डिंग सेल होती है, वो डिटैच करके उनको कहीं और लेके चले जाते हैं, मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग का मटेरियल इट कैन बी सोल्ड, हाँ, तो फिर मैं इन्हें नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बोलूंगा। जब मैं एक साथ बेचने की बात कर रहा हूँ तो ये एक प्रकार का डिस्पोजल ग्रुप हो जाता है। होप इट इज क्लियर, सब लोगों को समझ में आया होगा। सो दीज आर डिस्पोजल ग्रुप फिलहाल, क्योंकि आपने एग्रीगेट बेसिस पे एक साथ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद अ बायर फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री, अब वो हमारी इंडस्ट्री वाला नहीं है, कोई और इंडस्ट्री वाला है जिसने खरीदा है, सेम इंडस्ट्री के लोग थोड़ा कम पैसे दे रहे थे, इसीलिए हमने डिफरेंट इंडस्ट्री वाले को बेच दिया। यहां तक की समझ में आया, किसी को भी यहां तक कोई डाउट है ना तो पूछ लेना, अगर आपको किसी भी कंसेप्ट पे कोई भी डाउट है अभी पूछ लेना, ठीक है। द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर सेल कंप्लीशन ऑन 30th अप्रैल 2003, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेल 30th अप्रैल 2003 तक खत्म हो जाएगा। मई 2002 में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 12 महीने के अंदर अंदर दिख रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा, यानी 105 में आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती दिख रही है हमको। एंड अ मैक्सिमम अप टू 31 मई 2003, बिकॉज द बायर हैज अप्रोच जी लिमिटेड फॉर मेकिंग सर्टन कस्टमाइज मॉडिफिकेशन, आपको बायर बोलता है भाई थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर दो, बाइंडिंग एग्रीमेंट तो हो गया, थोड़े बहुत है, मटेरियल नहीं है, इमटेरियल मॉडिफिकेशन है, ठीक है, सर्टन कस्टमाइज मॉडिफिकेशन जैसे कि फिट आउट, अदर इनोवेशन फॉर द सेट पर्पस। PPE is agreed to be acquired as such. PPE को as such ले ले रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की बात हुई है। These activities are funded in advance by the buyer. Buyer ने पहले ही एडवांस में आपको पेमेंट कर दिया, ठीक है, एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनल एंड रिवाइज सेलिंग प्राइस ऑफ 185 लाख, 185 लाख रुपीज का पेमेंट है। चलो यहाँ तक के टर्म्स क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट द रिक्वायर्ड फिट आउट वर्क विल रिक्वायर हेमी डिवॉल्यूशन वर्क इन्वॉल्व, ठीक है, हमें लगता है कि इसे डिमोलिशन के लिए अच्छा खासा खर्चा लगेगा, जो सामने वाले ने रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह बोला इसे हैवी डिमोलिशन का खर्चा लगेगा, सोर्सिंग अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द जॉब, एज अ रिजल्ट इट इज इम्पॉसिबल टू हैव इट कंप्लीटेड बाय 31 मई 2003। अब ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ी होगी, सामने वाले ने मॉडिफिकेशन की बात की, अब हमें लग रहा है बिकॉज इसे एक हैवी डिमोलिशन लगेगा इसीलिए काम अब 12 महीने के अंदर खत्म नहीं हो सकता, 31 मई तक के खत्म नहीं हो सकता,
क्या आपको क्या लगता है, यहां तक के पढ़ के आपको क्या लगता है, क्या मैंने इसे वापस उठा के रिक्लासिफाई कर देना चाहिए एज नॉट हेल्ड फॉर सेल, या ठीक है कंटिन्यू करते हैं नॉट हेल्ड फॉर सेल? सोच समझ के आंसर कीजिए, नॉट हेल्ड फॉर सेल या हेल्ड फॉर सेल? पहले तो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया था क्योंकि लग रहा था 12 महीने के अंदर काम हो जाएगा, अब पता चल रहा है नहीं यार नहीं हो पाएगा काम 12 महीने में, कॉन्ट्रैक्टर आया, कॉन्ट्रैक्टर बोला सर इसको टाइम लगेगा, तो क्या मैं वापस से 105 से हटा दूं इसे, या अभी भी 105 में कंटिन्यू करेंगे? सोच समझ के आंसर कीजिएगा। अर्जुन जी का कहना है कि सर रिक्लासिफाई करेंगे, बाकी सब लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं हर एक स्टोरी को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ ताकि उस स्टोरी का क्रक्स आपको समझ जाए, शायद क्वेश्चन ये बातें आपको नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन तो आपको एक ही चीज़ पूछ रहा है, पर मैं इसे स्प्लिट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कहानी का पूरा क्रक्स समझ जाए कि अल्टीमेटली ये आंसर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो अर्जुन जी का कहना था कि रिक्लासिफाई करेंगे, कहाँ पे गया मैं, कोई तो भी एक आंसर मेरा बीच में मिस हो गया। किरण जी का कहना था नॉन करंट एसेट्स डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, अर्जुन जी का कहना है नो ऑपरेशन, रॉर गेमिंग जी NCA, मैं कहाँ पे अट गया? अरुणा जी का कहना है कंटिन्यू पे रिक्लासिफाई कीजिए, अर्जुन जी का कहना है रिक्लासिफाई, विवेक जी का कहना है रिक्लासिफाई, अर्जुन जी का कहना है नॉट हेल्ड फॉर सेल, यस नॉट हेल्ड फॉर सेल, पार्श्वा जी का कहना है कंटिन्यू कीजिए, मतलब हेल्ड फॉर सेल ही रहने दो, पार्श्वा जी आप ये बोल रहे हैं रिक्लासिफाई नॉट हेल्ड फॉर सेल, कशिश जी का कहना है, ऋषभ जी और किरण जी का कहना है कंटिन्यू टू क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल, आंसर है कंटिन्यू टू क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल। क्यों? देखिए कंटिन्यू वो जो 12 महीने था उसमें एक एक्सेप्शन रूल था, वो एक्सेप्शन रूल क्या था, एक्सेप्शन रूल ये था कि अगर किसी चीज को सेल करने के लिए नॉर्मली ही 12 महीने से ज्यादा का टाइम लग सकता है तो भी हम उसे कंटिन्यू करते हैं टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस होता है, बराबर? ये एक एक्सेप्शन है ना, ये दिया गया है ना आप लोगों को वहां पे, जब 12 महीने की बात दी गई है तो उसमें दो चीजें दी गई है, जहां पे एक चीज में नॉर्मली सेल को ही कंप्लीट होने को 12 महीने के ऊपर लगता है, या फिर दूसरा कि कोई तो रीजन से ब्लॉक हो गया और मैनेजमेंट सेल नहीं कर पा रहा है, जैसे आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया इसीलिए आप सेल नहीं कर पा रहे हो, यानी नॉट विद इन योर कंट्रोल, ऐसे दो केसेस में वी कैन कंटिन्यू टू क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल, दो एक्सेप्शन दिए गए वहां, मेरे हिसाब से ये उसी एक्सेप्शन में बैठता है। भाई कोई कॉन्ट्रैक्टर आके आपको बोल रहा है कि यही चीज करने के लिए 12 महीने के ऊपर लगेंगे, इसीलिए हमको पता चल रहा है यार हम नहीं कर पा रहे हैं उसको 12 महीने के अंदर कंप्लीट, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना। अब आप समझिए इसके पहले क्या हुआ, बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हो चुका था, सामने वाला एडवांस पेमेंट दे चुका था, तो प्रॉब्लम क्या है, वो तो हम उसके बिहाफ में काम कर रहे हैं ना, आप हमको तो पैसा मिल गया है ना, तो वाई शुड आई रिक्लासिफाई इट एज नॉट हेल्ड फॉर सेल? ठीक है, समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड के अंदर रह के मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल बेस कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ तक के समझा होगा। चलिए सृष्टि जी का कहना है लास्ट केस स्टडी में मार्केट वैल्यू ऑफ ऑप्शन वन 1 अप्रैल 2 हैज टेकन, वेयर हैज वी हैव टेकन ऑप्शन प्राइस ऑफ 20। सृष्टि जी आज की केस स्टडी खत्म हो जाती है उसके बाद पूछिएगा, क्योंकि आज की केस स्टडी में बहुत सारे ट्रिकी पॉइंट्स हैं और आप जो बोल रहे हो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक बार खत्म हो जाता है उसके बाद में अपन लोग उसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक आप वो ईसॉप से रिलेटेड कुछ तो पूछ रहे हैं, देखते हैं ना यार एंड में देखते हैं, ये वाली केस स्टडी खत्म होने के बाद पूछे मुझे। हैंस इट इज नॉट रेडीली अवेलेबल फॉर सेल बट सर सिंस इट नीड मॉडिफिकेशन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट अर्जुन जी, देखिए मॉडिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं, आप कंफ्यूज कहां पे हो रहे हैं मैं बताता हूं आपको, एक हमको बोला गया कि मैं मॉडिफाई करके बेचूंगा, मैं बेचूंगा पर मॉडिफाई करके नॉट हेल्ड फॉर सेल, दूसरा मैं तो बेचने को तैयार हूं, सामने वाला आता है एक काम करो मॉडिफाई करके दे दो मुझे, बोला ठीक है मैं उसके भी हाफ में मॉडिफाई कर रहा हूँ, अरे मेरी इच्छा थोड़ी, मैं तो बेचने को तैयार हूँ, सामने वाला बोलता है मॉडिफाई करके दे दे मुझे, तो मैं तो मॉडिफाई करूंगा ही ना हेल्ड फॉर सेल, मैं मॉडिफाई मैं बोलूंगा मैं बाइंडिंग हूं, मैं कंपलसरी, मैं अगर पहले इसको मॉडिफाई करूंगा फिर बेचूंगा, मैं जिद पर अड़ा हूं नॉट हेल्ड फॉर सेल, नॉट हेल्ड फॉर सेल, पर दूसरे केस के अंदर में हम इसे हेल्ड फॉर सेल बोलते हैं ना, जब सामने वाला बोलता है भाई मॉडिफाई करके दे, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द टू, क्लियर है अर्जुन जी? चलो तो यहां वील कंटिन्यू टू क्लासिफाई हेल्ड फॉर सेल, अब भी किसी को कोई डाउट है कुछ भी पूछना है पूछिए बिंदास पूछिए, ठीक है। However, it is noted that the agreement also provides for refund of money received by G Limited टिल डेट इफ सेल इज नॉट कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2003। ये लाइन आपकी पूरी कहानी बदल दे रही है, ये लाइन आपकी पूरी की पूरी कहानी बदल दे रही है, ये लाइन आपको बोल रही है कि अगर आपने 31 मई तक के ये मॉडिफिकेशन कंप्लीट करके नहीं दिया तो पैसे तो रिफंड करने पड़ेंगे, जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था, अब कहानी बदल गई। अर्जुन जी को कहना है कि सर अभी भी क्लियर नहीं, देखिए अर्जुन जी दो तरह की चीजें होती, मैं कोई चीज को एज इट इज बेचने को तैयार हूं, इनफैक्ट ऐसा एक क्वेश्चन भी है अगर आपने FR के बुक के अंदर देखा होगा, शायद न्यूली एडिट के अंदर, मैं आपको बोलता हूं कि यार मेरे पास एक कार पड़ी है लेके जाओ, मैं बेचने को तैयार हूं, तो मैं तो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दूंगा, आपने आके मेरे को बोला कि यार ये जो कार है ना इस कार के अंदर आपके सस्पेंशन बराबर नहीं है, आप एक काम करो सस्पेंशन रिप्लेस कर दो, मैं आपको पैसे एडवांस में दे रहा हूं,
आप उसके बाद में मुझे कार दे देना। अरे तो मेरे लिए तो हेल्ड फॉर सेल ही है ना, आपने आके मेरे को बोला सस्पेंशन बदल दो, तो मैं तो आपको बेच दिया ना, और आप मेरे को उसके लिए एडवांस पेमेंट भी दे रहे हो। मेरे लिए तो हेल्ड फॉर सेल ही है, मैं आपके बिहाफ में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। वही मैं बोलता हूँ नहीं, मैं तो सस्पेंशन बदलने के बाद ही बेचूंगा, तो फिर हेल्ड फॉर सेल नहीं है, क्योंकि मैं मॉडिफिकेशन करने के बाद बेचने के लिए यानी रेडीली अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए। कंडीशन क्या है? रेडीली अवेलेबल फॉर सेल। अरे मेरा एसेट तो रेडीली अवेलेबल फॉर सेल है, इसने बोला मॉडिफिकेशन, कोई बिना मॉडिफिकेशन आता मैं उसको बेच देता। मेरा मुद्दा ये है, जो ज्यादा पैसे देगा मैं उसको दूंगा ना, ये बोलता है मॉडिफिकेशन के साथ मेरे को बेच दे, ये ज्यादा पैसे दे रहा है इसीलिए मॉडिफाई कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो बिना मॉडिफिकेशन के भी बेचने को तैयार था। तो हेल्ड फॉर सेल है ना बाबा, समझे? चलो अब ये जो येलो लाइन है इसने थोड़ी सी कहानी बदल दी, मैं तो अब आगे पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च, जी लिमिटेड हैज कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड डिमोलिशन वर्क, बट इट इज अनश्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द फिट आउट वर्क एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग टिल 31 मई 2003। अब हमें लग रहा है, देखो हमने तो बेच दिया, अब सामने वाले का काम हम 31 मई तक नहीं कर पाएंगे, हमको लग रहा है, हमको लग रहा है काम नहीं हो पाएगा, समझ गए? और ऊपर वाली लाइन बताती है पैसा लौटाना पड़ेगा अगर काम टाइम पे आपने नहीं करके दिया। ये येलो लाइन कहानी बदल रही है, सोच समझ के आंसर कीजिए। क्या अब मैंने वापस ये बोलूं कि मैंने रिक्लासीफाई कर देना चाहिए एज नॉट हेल्ड फॉर सेल, या कंटिन्यू टू क्लासीफाई इट एज हेल्ड फॉर सेल? सोच समझ के बताइएगा। विवेक जी का कहना है अर्लियर मेरा टारगेट 50 to 55 था, बट इस स्टेज पे मेरा टारगेट, क्या बात है विवेक जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मतलब ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है। और अगर मैं ये कर पाया हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार मानूंगा, ये वर्ड बेटर रहेगा, ठीक है? विवेक जी का कहना है रिक्लासिफाई करेंगे, ऋषभ जी का कहना है रिक्लासिफाई, अर्जुन जी का कहना है रिक्लासिफाई, अरुणा जी का कहना है सर स्टिल कंटिन्यू करेंगे, किरण जी का कहना है नॉट हेल्ड फॉर सेल। यस, ये येलो लाइन कहानी बदल रही है, अब मैं बोलूंगा नॉट हेल्ड फॉर सेल है। क्यों? अब सिचुएशन बहुत बदल गई है, अब आप समझिए पहले जैसी हालत नहीं रही, मैं किसी से पैसे लेके बैठा हूँ, अब सिचुएशन ये है कि मैं किसी और को बेच नहीं सकता, मतलब द एसेट इज नॉट रेडीली अवेलेबल फॉर सेल, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जिससे पैसे लेके बैठा हूँ उसको भी रिफंड करना पड़ेगा, उस एसेट के ऊपर मॉडिफिकेशन वर्क हो रहा है, डिमोलिशन तो हो गया, डिमोलिशन तो हो गया, फिर कुछ फिटआउट्स वगैरह करना है, अब एज इट इज सीनियर एज इट इज स्टेज पे भी बेच नहीं सकता, और फिटआउट का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, जो सामने वाले की कंडीशन है, मतलब सामने वाले की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, यानी जिससे पैसे लेके बैठा हूँ ये पता है उसको भी रिफंड करना है, और जो सिचुएशन में बैठा हूँ उस सिचुएशन में बेच भी नहीं सकता, यानी रेडीली अवेलेबल फॉर सेल से एसेट अब हट चुका है, समझ रहे हैं? देखिए मैं इसीलिए एक एक लाइन के ऊपर इतना ज्यादा डिटेल डिस्कशन कर रहा था, हो सकता है मैं वो ये ऊपर का पार्ट पढ़े बिना ही आप लोगों को सीधा आंसर कर देता, हाँ ये नॉट हेल्ड फॉर सेल है, ये आप रिक्लासीफाई कर देंगे, जो मेरे लिए बहुत ईजी था करना आप लोगों के लिए। पर देखिए कौन सी लाइन का क्या मतलब होता है ये समझना जरूरी है हम लोगों को, इसीलिए अगर ये लाइन नहीं होती तो एसेट हेल्ड फॉर सेल ही होता है ना, एसेट हेल्ड फॉर सेल ही होता, पर इस लाइन के कारण ये एसेट हेल्ड फॉर सेल से बाहर निकल गया। अब समझ में आया सब लोगों को? अरे रॉर गेमिंग जी, अभी तो क्वेश्चन खत्म हुआ, अब क्वेश्चन खत्म हुआ, अब सवाल पूछा गया है, ये जब एंड हुई स्टोरी तो उसके बाद उन्होंने पूछा क्या ये एसेट हेल्ड फॉर सेल है, क्या ये एसेट हेल्ड फॉर सेल है, इतनी पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने ये बोला, तो मैं आपको एक एक लाइन का मतलब समझा रहा था रॉर गेमिंग जी, कि देखो ये येलो लाइन हटा देते हैं तो आंसर क्या होगा, ये येलो लाइन डाल देते हैं तो आंसर क्या होगा, ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपको दोनों सीनेरियो पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसा थोड़ी लिखा है कि एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, नहीं 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 पार्श्वा जी, एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हो जाएगा, आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा तब तो एग्रीमेंट कैंसिल ही हो गया ना, लाइन क्या बोल रही है आपको, अगर आप काम 31 मई तक नहीं खत्म करते हैं तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, प्रोवाइड्स रिफंड ऑफ मनी, यही बोला गया ना यहाँ पे, रिफंड ऑफ मनी रिसीव टिल डेट इफ नॉट कंप्लीटेड बाय 31 मई 2003। क्या मतलब है इस लाइन का, कैंसिल हो जाएगा ना एग्रीमेंट, यही मतलब हुआ ना इस लाइन का। अब आप आज की सिनेरियो देखो, एक तो आपने जिसको बेचा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यार इसको तो पैसा लौटाना है, तो ये बंदा तो पिक्चर से बाहर हो गया। अब मैं एसेट की बात कर रहा हूँ, एसेट मेरे पास रह गया, क्या मैं एज इट इज सिचुएशन एसेट को बेच सकता हूँ? नहीं। अरे आप डिमोलिशन कर चुके हो, आप कहानी बदल चुके हो, अब एसेट को रेडीली अवेलेबल फॉर सेल करने के लिए, देखिए रेडीली अवेलेबल फॉर सेल का डेफिनेशन इंडिया 105 में क्या दिया है, आप उसे मार्केट कर रहे हैं, उस तरह से लिखा है ना वहां पे कि आप उसे मार्केट कर रहे हैं, और उसका जो फेयर वैल्यू है उस फेयर वैल्यू पे आप बेचने को तैयार है, उस फेयर वैल्यू से ज्यादा की कीमत आप नहीं मांग रहे,
फेयर वैल्यू से सब्सटैंशियली हाई कीमत नहीं मांग रहे हैं, फेयर वैल्यू पे बेचने को तैयार है और आप उसे मार्केट भी कर रहे हैं, आप उस दोनों सीनियरियों से बाहर निकल गए और अब जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं उसको भी रिफंड करना पड़ेगा, मतलब कैंसिलेशन क्लॉज के ऊपर तो है ही हम लोग, तो कहाँ से रेडीली अवेलेबल फॉर सेल हुआ? समझ में आया? बताइए सर, नाउ डेट द एग्जाम इज पोस्टपोन्ड विल यू एडवाइस रिटर्न प्रैक्टिस? बिल्कुल सौम्या जी, बिल्कुल रिटर्न प्रैक्टिस तो मैंने पहले भी बोला है कि आपने रोज का एक क्वेश्चन रिटर्न प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं दो में से एक चीज स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, या तो मेरे साथ रोज एक घंटा कैलकुलेटर लेके बैठो, या फिर रोज एक क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस करो अगर आपकी स्पीड बहुत कम है लिखने की। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन दिखता है ना, अरे एकदम ऐसा लगता है यार इसका आंसर तो आता है पर स्टार्ट कहां से करना ये समझ में नहीं आता, इसीलिए थोड़ी सी रिटर्न प्रैक्टिस सभी के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, चलिए सब लोगों को क्लियर है यहां तक के क्वेश्चन पूरा का पूरा? रॉर गेमिंग जी, आपका जो कंफ्यूजन था क्या वो भी क्लियर हो गया, आपको क्वेश्चन समझ गया? सो रिमेंबर दिस, और ये लाइन मतलब अगर आप लोगों के पास ये GFRS केस स्टडी है, जिनके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ये लाइन मार्क कर दीजिए और उसके सामने लिख दीजिए, इफ दिस लाइन डज नॉट एग्जिस्ट द एसेट इज हेल्ड फॉर सेल, एल्स द एसेट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, चलो 105 के बाहर निकल गए, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इन्होंने जो पूछा था वो मैंने बता दिया, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट यहां से, ठीक है, X Limited only has PPE with book value 75, fair value 60 lakh. Building है जिसकी carrying amount 150 lakh है और fair value 120 lakh है। ठीक है, PPE का book value 75 है, fair value 60, building का book value 150 lakh है, fair value 120. हमें क्या करना चाहिए? आपको ये पढ़ के क्या लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? Held for sale तो अब है नहीं, held for sale तो अब है नहीं, इस लाइन का हमें क्या इंपैक्ट लेना चाहिए और कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से लेना चाहिए? इस लाइन का हमने क्या इंपैक्ट लेना चाहिए और कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से लेना चाहिए, फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, गुड इवनिंग रिदम जी, अरे पार्श्वा जी एक्स लिमिटेड से कनेक्टेड था इसीलिए ये पहले पढ़ लिया, इसके बाद वाई स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्स से रिलेटेड मैं एक बार पूरा का पूरा करवा दे रहा हूं आपको। क्या बात है, सभी ने कहा है इम्पेयरमेंट करना है, बहुत बढ़िया, और आप में से कई लोग अभी भी कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हैं, तो इम्पेयरमेंट का कितना इम्पेयरमेंट करना है ये तो बताइए। रिदम जी 36 इम्पेयरमेंट, आप शायद लेट आए थे रिदम जी, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। गोविंद जी शायद आप भी लेट आए, इंडिया 36 इम्पेयरमेंट, हाँ आप लोग कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हो, मेरे को इम्पेयरमेंट का अमाउंट नहीं बताया। पीपीई के अंदर में आपका इम्पेयरमेंट कुछ 15 लाख रुपीज़ का दिख रहा है मुझे, और बिल्डिंग में आप लोगों का इंपेमेंट मुझे कुछ 30 लाख रुपीस का दिख रहा है। ठीक है, क्या बात है किरण जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अरुणा जी, 36 स्टैंडर्ड नंबर, चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सभी लोगों का आंसर एकदम करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वाई लिमिटेड की। आप लोग एक्स के साथ कहानी समझ गए होंगे कि क्या पूछ रहा है ये, इंडेस 105 का क्वेश्चन था, अब वाई लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो चलो, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लेना अभी। वाई इज एक्टिव इन इट्स ऑपरेशंस Since 20XX, necessary board resolution for disposal of operations is passed on 1st Feb 2003. यहाँ disposal of operations के लिए, disposal of operations के लिए resolution pass हो गया है, ठीक है? Private company no further formalities such as resolution in AGM required नहीं है। 31st मार्च तक के advertisement दे दी जा चुकी है local newspaper में regarding offer for sale, बेचने के लिए हमने newspaper में ad दे दी है। क्या 105 ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ मुझे बताइएगा, क्या 105 ट्रिगर हुआ, यस और नो? क्या 105 में डाल देंगे वाई लिमिटेड को, यस और नो? प्राइस ऑफर्ड है 475 लाख बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑब्टेन बाय वैल्यूएशन एजेंसी, दो प्रोस्पेक्टिव बायर्स ने आपको कॉन्टैक्ट भी किया है इसके लिए। क्या 105 में रिक्लासीफाई होगा, अर्जुन जी ने कहा है हाँ सर रिक्लासीफाई होगा, बढ़िया बढ़िया। हाँ ये रिक्लासीफाई होगा, एड आ गई, यानी जिनको कम्युनिकेट करना था हमने कम्युनिकेट कर दिया और बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो चुका है, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो यस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आ जाएगा। यहाँ नीचे इन्होंने वाई लिमिटेड के एसेट्स दिए हैं, आएगा ना रिदम जी, दो कंडीशन थी ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना। ऋषभ जी आपका भी सेम, देखो समझो ना, दो कंडीशन दी थी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, पेपर में एड दे दी एंड कम्युनिकेशन टू दोज विल बी अफेक्टेड, हमने न्यूज़पेपर एड दे दी, तो दोनों की दोनों चीज़ें होंगी, है ना? तो ये देखो, ये वाई लिमिटेड के एसेट्स दिए हुए हैं, ऊपर 475 की वैल्यू दी थी, फटाफट बताइए इंपेयरमेंट इंपैक्ट, फटाफट निकालिए इंपेयरमेंट का इंपैक्ट सभी लोग।
किस किस पे कितना कितना इंपेमेंट आएगा, फटाफट कैलकुलेट कीजिए प्लीज, कैलकुलेटर लेके बैठिए, सभी लोग कैलकुलेटर लेके बैठिए और कैलकुलेशन कीजिए। अर्जुन जी का कहना है 34, ओके हाँ 34 का इंपेमेंट है, बढ़िया। कहाँ कहाँ डालें 34 के इंपेमेंट को, फटाफट निकालिए। हाँ कहाँ कहाँ डालें बताइए। बिल्डिंग पीपीई एंड प्रॉपर्टी, ये रिदम जी का कहना है, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी में प्रपोर्शनेट करेंगे, ये अर्जुन जी का कहना है। और किसी का और कोई जवाब? चलिए पहला वाला जवाब ना मैं आप लोगों को इंड एएस के हिसाब से दूंगा, आईएएस के हिसाब से नहीं दूंगा, इंड एएस के हिसाब से, ठीक है। ये फ्री होल्ड लैंड है, या तो हो सकता है इसी के ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखना चाहिए, जनरली अलग से नहीं लिखा जाता। यानी कि इस लैंड के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल, अगर मैं बोल दूं कि इंडेक्स 40 के हिसाब से क्लासिफाई हुआ है तो यहाँ रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड ही नहीं है, तो मैं रिवैल्यूएशन मॉडल हटा दे रहा हूँ। तो ऐसे में तीनों में बटेगा, ठीक है, 34 का इंपेमेंट तीनों में बटेगा 65, 255, 175 के रेशियो में, ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से तीनों में बट जाएगा, तीनों में बट जाएगा। पहले यहाँ तक ये समझ में आया सब लोगों को, ठीक है। तो पार्श्वा जी ने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी किया है, ठीक है, एक बार यहाँ तक ये समझा। अब मैं आईएएस के हिसाब से दे रहा हूँ, विच इज नॉट रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स। मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टूडेंट्स के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, जीएफआरएस के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जीएफआरएस के बच्चों के लिए। आईएएस में क्या होता है, अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल लगा रहे हैं, तो ये इंड एएस 36 के अंदर में एक एक्सेप्शन दिया गया है कि जहां फेयर वैल्यू मॉडल लगाया गया है उन एसेट्स के ऊपर हम इंपेमेंट नहीं लगाते। जहां भी फ्री, तो इंड एफआर के स्टूडेंट्स को भी शायद पता हो, बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर इंपेमेंट नहीं लगता इंड एएस 41, क्योंकि वहां पे फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया जाता है ना। तो जहां भी फेयर वैल्यू यूज किया जाता है वहां पे आप इंपेयरमेंट नहीं लगाते, क्योंकि वो एसेट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे दिख रहा है, वो एसेट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे दिख रहा है। तो आईएएस के हिसाब से मैं बोलूंगा कि सिर्फ इन दोनों में बटेगा, समझ गए। सो देयर आर टू डिफरेंट आंसर्स, जीएफआरएस के स्टूडेंट्स के लिए आंसर अलग है, एफआर के स्टूडेंट्स के लिए आंसर अलग है। यहां पे एफआर के स्टूडेंट तीनों में बांटेंगे, जीएफआरएस के स्टूडेंट सिर्फ दो में बांटेंगे, समझ गया। किसी को कोई डाउट है यहां तक के तो बोलिएगा प्लीज, ठीक है। तो पार्श्वा जी का आंसर मैं जीएफआरएस के हिसाब से सही पकड़ रहा हूं, विवेक जी ने जो आंसर यहां पे दिया हुआ है वो एफआर के हिसाब से सही है, ठीक है। सो वी हैव टू डिफरेंट आंसर्स, दोनों आंसर्स आप लोगों को क्लियर होंगे। किसी को भी कोई भी डाउट है यहां, कुछ भी पूछना है तो प्लीज मुझे एक बार पूछ लीजिएगा। चलिए ये तो ऑलरेडी एफईटीपीएल पे है तो इस पे इंपेमेंट की बात ही नहीं आती, ये तो इंड एएस 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स गवर्न करता है। चलो बढ़िया बढ़िया, मूविंग अहेड। बट सर फेयर वैल्यू तो फ्री होल्ड लैंड इज गिवन एज सेम एज बुक वैल्यू। पार्श्वा जी मुझे ये कहाँ लिखा है कि सेम एज बुक वैल्यू है? आप जो बोल रहे हो एज बुक वैल्यू नहीं लिखा है यहां। द फेयर वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू देयर रेस्पेक्टिव बुक वैल्यूज बियॉन्ड विच दे कैन नॉट बी इम्पेयर्ड, बियॉन्ड विच दे कैन नॉट। अच्छा, ये एक लाइन, अच्छा एक मिनट रुकिए, एफ आर के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे आंसर बदलेगा। इनका कहना है कि इसके बियॉन्ड ये इम्पेयर ही नहीं हो सकता, यानी फ्री होल्ड लैंड का रिकवरेबल अमाउंट 255 तो है ही, तो ये तो चलिए फिर एफ आर के हिसाब से भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा, 175 और 65 में ही बटेगा। ये लाइन मैंने पढ़ा नहीं, तो ये पार्श्वा जी ने बताया हमको, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो फ्री होल्ड लैंड है इतना पैसा मिल जाएगा, ये इतना इसका रिकवरेबल अमाउंट है ही, तो इसको इम्पेयर कैसे करोगे आप? जब इतना रिकवर हो ही जाएगा तो ये इम्पेयर नहीं हो सकता ना, इंडिविजुअल एसेट का ही वैल्यू 255 है तो इट विल नॉट बी इम्पेयर। तो अब एफ आर या जीएफआरएस दोनों में आंसर सेम है, 65:175 के रेशियो में हमारा इम्पेयरमेंट बटेगा, ठीक है। तो ये लाइन का मतलब आप लोग समझ गए, नीचे की लाइन हमने पहले नहीं पढ़ी थी, अभी हम देख रहे हैं, वो लाइन आपको क्लियरली बोल रही है कि जो फ्री होल्ड लैंड है ये जितना बुक्स में दिख रहा है 255, इसके बियॉन्ड ये इम्पेयर हो ही नहीं सकता, मतलब जब इतना रिकवर हो ही जाएगा तो उस पर हम इम्पेयरमेंट लॉस का अपोर्शनमेंट
नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन था मशीन ए मशीन बी वाला, हमने भी वीडियोस में सॉल्व किया था, न्यूली एडेड क्वेश्चंस के अंदर में भी है इंपेयरमेंट के। किसी ने अगर नहीं सॉल्व किया होगा अभी तक के तो एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसमें ये कंसेप्ट यूज किया गया है, जहां मशीन ए को इंपेयर करते समय हमने उसके रिकवरेबल अमाउंट के नीचे इंपेयर नहीं किया, हमने रोक दिया कि मैक्सिमम इंपेयरमेंट इसके रिकवरेबल अमाउंट तक होगा, जहां मशीन ए मशीन बी मिलकर सीजीयू बन रहे थे। तो एक बार वो क्वेश्चन जरूर देखिएगा, जिसने भी अगर वो क्वेश्चन अभी तक नहीं सॉल्व किया, न्यूली एडेड क्वेश्चन इंड एएस 36 के अंदर में एड हुआ है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट? धन्यवाद पार्श्वा जी, बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यहां से कहानी फिर बदलेगी। अब यहां से हम लोग एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं, ये समझ लीजिए थोड़ा बहुत वनरस कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आएगा। ध्यान दीजिए, सभी लोग यहां पे ध्यान दीजिए। द ग्रुप वॉज अ लेसी इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग लीजेस डेट हैव ऑलरेडी बीन अकाउंटेड एज पर IFRS 16 या इंड एएस 116, ठीक है। गिवन द अनसर्टेनिटी ऑफ सिचुएशन मैनेजमेंट इज होल्डिंग डिस्कशंस ऑन हाउ लीज इज टू बी अकाउंटेड इन लेसी। आप लेसी हो, आप इसका कैसे अकाउंटिंग करोगे, ये हमारा डिस्कशन है। पहला लीज, यहां पे ध्यान दीजिए, लीज एग्रीमेंट आपको एक ऑप्शन देता है टू रिन्यू द लीज एट द एंड ऑफ लीज टर्म। जब लीज टर्म एंड होगा तब आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। लीज का कमेंसमेंट डेट 1 जुलाई था और एंड डेट 30 जून 2003। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस लीज को एक्सटेंड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। लीज एंड हो रही है 30 जून 2003। ध्यान दीजिए, हमारा ईयर एंड 31 मार्च 2003 है, हमारा ईयर एंड 31 मार्च 2003 है, ठीक है। लीज कैन बी रिन्यूड फॉर अनदर 2 ईयर्स, 2 साल और रिन्यू हो सकता है। अजेंडा ऑफ AGM इज टू कंडक्ट ऑन 30 अप्रैल 2003। AGM में ये इशू रखा गया, AGM हुआ 30 अप्रैल 2003 में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद की बात हो रही है। कंटेन्स एन आइटम विद रिलेशनशिप टू दिस लीज। लीज का रेंट है 50,000 पर मंथ, पेबल इन एडवांस, पेबल इन एडवांस। एट इंसेप्शन ऑफ लीज जी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन अपफ्रंट कैश सब्सिडी अंडर गवर्नमेंट स्कीम टुवर्ड्स लीज कॉस्ट इनकर्ड फॉर कंडक्टिंग द ऑपरेशंस एज अ पार्ट ऑफ स्कीम। आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, जब हमने ये लीज एग्रीमेंट किया था उसी दिन हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिला था और गवर्नमेंट ने आपको ये स्कीम, ये ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए कुछ सब्सिडी दी थी। एज अ पार्ट ऑफ स्कीम इट इज ऑब्लाइज टू होल्ड द लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए लीज पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो ऊपर 1 जुलाई 2003 से 30 जून 2003 की 3 साल हुए और 2 साल एक्सटेंशन का आपके पास ऑप्शन था। तो इनिशियली 1 जुलाई 2010 को आपने इसकी अकाउंटिंग कितने सालों के लिए की होगी, पहला सवाल मेरा ये है आप लोगों से, 3 साल के लिए अकाउंटिंग की होगी आपने या 5 साल के बेसिस पे राइट टू यूज एसेट लीज लाइबिलिटी निकाली होगी? क्या सोचे निकाला होगा, 3 साल या 5 साल को दिमाग में रख के आपने राइट टू यूज एसेट निकाला होगा? अच्छा, ध्यान रखना यहाँ पे जो रेंट है ये मंथली है, यहाँ पे रेंट 50,000 मंथली है। तो पहले तो मुझे ये बताइए फटाफट सभी लोग कि आपको क्या लगता है, आपने जब राइट टू यूज एसेट निकाला, आपने जब लीज लाइबिलिटी निकाला, तो आपने 5 साल दिमाग में रख के निकाला था या आपने 3 साल दिमाग में रख के निकाला था? क्या दिमाग में रख के निकाला होगा आपने? तो आप में से कई लोगों का कहना है 5 साल, करेक्ट। अरे भाई, मेरे को जब गवर्नमेंट ग्रांट ही 5 साल के हिसाब से मिली है तो मैंने तो अकाउंटिंग भी 5 साल के हिसाब से की होगी, समझ में आ रहा है? अब यहां पे एक डिस्काउंट रेट दिया था शायद, क्योंकि एक मिनट रुकिए, मुझे एक डिस्काउंट रेट लगेगा यहाँ पे, थोड़ा डिस्काउंट रेट मुझे नहीं दिख रहा है, इंस्टीट्यूट ने यूज़ किया है इसीलिए मुझे ध्यान में है, डिस्काउंट रेट यूज़ हुआ है, एक मिनट रुकिए। अरे अच्छा, ये यहाँ दिया है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 8.5%, अज्यूमिंग 8.5% एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट एज डिटरमाइंड ऑन द लीज टर्म। तो 8.5% का रेट था, समझ गए, 8.5% का रेट था। हम बैठे हैं 31 मार्च 2003 पे, 3 महीने बचे हैं, अप्रैल मई जून एग्जिस्टिंग वाले, और 2 साल का रिन्यूअल तो अलग कहानी है, ठीक है। 8.5% का डिस्काउंट रेट है, आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसीलिए बोल रहा हूँ ये रेट, ठीक है। हम क्या रेट से डिस्काउंट करेंगे पहले तो ये बताइए, क्या 8.5% से ही सीधा सीधा ले लूँ, मतलब शुड आई राइट लाइक दिस, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 8.5%, 2 साल बचे हैं, 2 साल और कुछ महीने, मई जून जुलाई 3 महीने, 2 ईयर्स 3 मंथ्स, ऐसा लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 50,000
या कुछ और? आप लोगों को क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोच समझ के बताइए। 31 मार्च तो हो गया, 31 मार्च तक का रेंट तो पेड है, तो अब मुझे बचे हुए के हिसाब से राइट टू यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी निकालना ना। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मेरे बुक्स में कितना होगा, जितना रिमेनिंग है उसके बेसिस पे होगा, जो 2 साल 3 महीने बचे हैं। एक बार ट्राई कीजिए, पार्श्वा जी का कहना है 7083। कैसे निकाला पार्श्वा जी? अच्छा क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया, सब लोग समझ गए। 0.7083 कैसे आ रहा है? 8.5 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 50,000 मंथली रेंट है, 50,000 मंथली रेंट है, यानी आपके बुक्स में क्या दिख रहा होगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7083% फॉर 24, 25, 26, 27 मंथ्स, 27 मंथ्स, यानी 27 टाइम्स 0.7083 लेना है। सब लोगों को समझ गया? 2 महीने का ही निकालना है। रिदम जी 2 महीने का क्यों निकालेंगे, 2 महीने का क्या गड़बड़ है, 2 महीने का क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इतना क्लियर है। ये फटाफट निकाल के दीजिए, ये फटाफट निकाल के दीजिए, ये बुक वैल्यू है, मैं एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये बुक वैल्यू है। ये आपके बुक्स में राइट टू यूज एसेट जो दिख रहा होगा, लीज लाइबिलिटी जो दिख रही होगी, वो रफली इतनी दिख रही होगी, रफली, ठीक है। नहीं, ये फिलहाल लीज लाइबिलिटी है, ये फिलहाल लीज लाइबिलिटी है, राइट टू यूज एसेट की तो कहानी अलग है। इंस्टीट्यूट का इसमें दिया हुआ आंसर और हम जो आंसर निकाल रहे हैं ये दो अलग है। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट के आंसर में गड़बड़ है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो अलग निकलने वाला है, पर मैं जो आंसर निकाल रहा हूँ आपके इंडेक्स 116 के हिसाब से निकाल रहा हूँ, तो हम 116 के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अरुणा जी 8.5% का रेट है ना, 8.5 डिवाइडेड बाय 12 वैसे आया, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट निकालिए, मुझे आ रहा है 1224831। रिदम जी का आंसर सेम है, अर्जुन जी का आंसर सेम है, गौरी जी का थोड़ा सा अलग है, अमित जी का थोड़ा सा अलग है, वो डेसिमल पॉइंट का फर्क दिख रहा है मुझे, उससे ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि आंसर में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ है, ठीक है। समझ में आया? ये दिख रहा होगा लाइट टू यूज एसेट, लाइट लीज लाइबिलिटी। राइट टू यूज एसेट तो आपने क्या किया होगा, पूरे 5 साल का निकाला होगा। अब 5 साल हम निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं 5 साल निकालूंगा नहीं, 5 साल का निकाला होगा, और उसे 5 साल में आप डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, है ना, डिवाइडेड बाय 5 स्ट्रेट लाइन मेथड, आप डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, ऐसा अपन अज्यूम कर रहे हैं। तो एक वैल्यू मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वैल्यू कुछ 15 लाख रुपए होगी, वैसे आसपास ही होती है, 15 लाख भी क्यों लिखूँ, 13 लाख लिख देता हूँ, ये अज्यूम्ड वैल्यू है। ये कैसे आई होगी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आपने इनिशियली निकाला होगा 50,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाय, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये आंसर गलत है, जो 1 to 1 वाला आंसर है वो सही है, उसका रीज़न बताता हूँ। ये 27 मंथ्स नहीं है, 26 मंथ्स होगा, प्लस एक 50,000 होगा, क्योंकि रेंट तो हम एडवांस दे रहे हैं ना, रेंट हम एडवांस दे रहे हैं, तो 50,000 फॉर 26 मंथ्स और 50,000 रुपये एडवांस वाला, इमीडिएट पूरा 50,000 ऐड होगा विदाउट डिस्काउंटिंग, विदाउट डिस्काउंटिंग। तो आई थिंक ये थोड़ा सा गलत है, 1 to 1 वाला आंसर मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है हमारी तरफ से। तो 0.7083 का रेट 59 मंथ्स प्लस 50,000, ये अमाउंट पे आपने राइट टू यूज एसेट दिखाया होगा, फिर इसे 5 साल डिप्रिशिएट किया होगा, 5 में से 3 साल हो गए, 2 साल बचे हैं, तो रफली उतना कुत्तो वैल्यू दिख रहा होगा, तो मैंने एक 13 लाख रुपीज आपको लिख दिया ऐसा अज्यूम करके। अभी अपन कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ तक समझा गया सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बोलिए। मैंने वो जो 50,000 ऐड क्यों किया अलग से और 26 मंथ्स लिया, ये समझा क्या? यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि आप रेंट एडवांस दे रहे हैं, हर महीने के एडवांस में रेंट दिया जाता है, वहाँ पे एडवांस वर्ड यूज हुआ है। बताइए किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछ लीजिए। ये सब लोगों को समझा क्या हमने क्या किया यहाँ तक? 116 में ही दिक्कत है, कैलकुलेशन में ही दिक्कत है, तो वो भी एक बार पूछ लीजिए। ये कंसेप्ट जो मैंने समझाया राइट टू यूज एसेट का, ये भी क्लियर है क्या? अच्छा विवेक जी आपने पूरा 60 मंथ्स का निकाल दिया, अरे बाप रे,
ये 60 मंथ्स का है विवेक जी, 24,54,322, बता दीजिएगा तो फिर मैं यहाँ पे एक्चुअल फिगर ही ले लूँगा। आपने पूरा 50 मंथ्स का निकाल दिया क्या? ओके, 24,54,322 इज फॉर 60 मंथ्स, तो 23 मंथ्स हो चुके हैं, 27 मंथ्स बचे हैं, तो ये कुछ 11 लाख रुपीज़ आ रहा है। चलिए विवेक जी ने निकाला है, मैं वही ले ले रहा हूँ फिर, 11,04,445। ठीक है, देखो क्या हुआ, 24,54,322 ये 60 मंथ्स का था, है ना, ये 60 मंथ्स का है, 60 में से 23 मंथ्स हो गए, 60 में से 27 मंथ्स बचे हैं, 60 में से 27 मंथ्स बचे हैं, है ना, अप्रैल से लेके बचे हुए पीरियड में 27 मंथ्स बचे हैं, तो ये वाली वैल्यू आती है, ये हमारा राइट टू यूज एसेट दिख रहा होगा। अर्जुन जी, मैंने अज्यूम किया था ना, मैंने अज्यूम किया था, मैंने आपको बोला ये एक्चुअल फिगर आ गया, ये एक्चुअल फिगर है, ये समझा, 60 मंथ्स में डेप्रिशिएट करेंगे तो और 27 मंथ्स बचे हैं, यानी बाकी के मंथ्स हो चुके हैं, इतना डेप्रिशिएट हो चुका, यानी इतना वैल्यू बचा होगा, 27 मंथ्स का इक्वेलेंट वैल्यू बचा है, बाकी का पूरा डेप्रिशिएट हो गया। देखो किसी को भी अगर बाउंसर जा रहा होगा तो अभी बोल देना मेरे को, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आप लोग बोलोगे छोड़ो ये क्वेश्चन को, छोड़ देते हैं एक, और मतलब हम लोगों के लिए अच्छा है कि हमको 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है, तो सारे कंसेप्ट पूरे क्लियर करके जाएंगे, लाइव क्लास इसीलिए ले रहे हैं अपन। बताइए ये दोनों क्लियर है, ये दोनों क्लियर है, तो मेरे बुक्स में लीज लायबिलिटी दिख रही है 12,24,831, और मेरे बुक्स में राइट टू यूज एसेट दिख रहा है 11,04,445। ठीक है, और कुछ डेफर्ड ग्रांट भी रहा होगा वो तो हमको पता ही नहीं है, उसका तो अमाउंट ही नहीं पता है हमको। ठीक है, तो ये दो फिगर्स हमारे बुक्स में दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, पोस्ट कोर्ट ऑर्डर सब्सिडी हैज बीन विड्रॉन, सब्सिडी तो मिल चुकी थी, सब्सिडी विड्रॉ हो गई, ठीक है, सब्सिडी विड्रॉ हो गई, एंड नाउ मैनेजमेंट फाइंड्स लीज कॉस्टली, तो लीज कॉस्टली लग रहा है तो सीधी बात है हम लीज को कैंसिल करेंगे, लिखा नहीं है क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है आप लोगों को कि अगर हम लीज कैंसिल करते हैं तो क्या होगा हमारे लिए, यानी वनरस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे या किसी भी चीज के बेसिस पे क्या होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हैं, सब्सिडी कैंसिल हो गई तो इट इज कॉस्टली, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, तो कैंसिल करते हैं तो एक बात, रिन्यू तो नहीं होगा, रिन्यू तो नहीं करेंगे, ये समझ गए होंगे आप लोग, है ना, पहली बात रिन्यू तो नहीं होगा, पर जो ओरिजिनल लीज टर्म है वो तो ऑनर करना पड़ेगा, यहां लिखा नहीं है कि आप कैंसिल कर सकते हैं, ये भी नहीं लिखा है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम तो यही अज्यूम करेंगे कि कैंसिल नहीं कर सकते, ओरिजिनल 3 साल कैंसिल नहीं हो सकते जिसके 3 महीने बचे हैं, है ना, ओरिजिनल 3 साल कैंसिल नहीं हो सकता, ये अज्यूम करेंगे, ये समझा, रिवर्सल एज पर ऑफ इंड एस 20। हाँ विवेक जी, इंड एस 20 का भी रिवर्सल होगा, पर वो फिर वैल्यू हमको पता ही नहीं है, हमें गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिला था वो हमको पता नहीं है, तो उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, लीज की बात करते हैं कि लीज तो कैंसिल करना है, रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, तो ये हो गया आपका लीज का चेंज इन एस्टिमेट, लीज का चेंज इन एस्टिमेट, तो पहले तो ये लीज लायबिलिटी के अंदर में वो कितना अमाउंट हमारा लीज का इंक्लूडेड पड़ा था बचे हुए 2 साल का, वो हटाना पड़ेगा, वो एलिमिनेट करना पड़ेगा, और राइट टू यूज एसेट तो पूरा एलिमिनेट करना पड़ेगा, समझ गया ना, राइट टू यूज एसेट तो पूरा एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जो लीज लायबिलिटी है उसके अंदर जो बचे हुए 2 साल है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये लीज कैंसिल करेंगे तो बीच के 3 महीने अप्रैल मई जून जब हमारा ओरिजिनल लीज खत्म होने वाला है, ये हम मान लेंगे नॉन कैंसिलेबल है, तो हमारे लिए तो वनरस कॉन्ट्रैक्ट है, वनरस कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हैं। चलिए तो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि कितना लीज लायबिलिटी हमको हटाना है, पूरा लीज लायबिलिटी नहीं हटेगा, पहले समझिए कितना लीज लायबिलिटी हटाना है, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेट, बचे हुए 2 साल हमको हटाने हैं, तो वो कैसे निकलेगा, हम एक काम करते हैं, अप्रैल मई और जून का जो रेंट है उसका अमाउंट कितना था वो ये 12,24,831 में वो निकाल लेते हैं, बाकी का डी रिकॉग्नाइज करना है, तो तीनों ही सालों में 50,000 रुपए दिए थे, किसी को यहां तक के कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, ये तीनों ही महीनों में 50,000 रुपए का रेंट था और एडवांस रेंट है,
तो हमें इन्हें पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतना अमाउंट ये 3 महीने का है, बचा हुआ इसमें से 2 साल का होगा, वो डी रिकग्नाइज कर देंगे लीज लायबिलिटी। ठीक है, चलिए देखिए विवेक जी क्या हुआ, मैं एक बार टाइमलाइन बनाता हूँ। हम यहाँ बैठे हैं मार्च 03, ये है जून 03, यहाँ 3 महीने बचे हैं, और अगला है जून 05, यहाँ तक 24 महीने हैं। अब क्योंकि लीज़ हम कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लीज़ कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, तो ये रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या, बोलो ये रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या? ये रिन्यूअल ऑप्शन तो आप एक्सरसाइज करोगे नहीं, क्यों करोगे ना, कोई लॉजिक बैठता है क्या, बताइए। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ये लीज का रिन्यूअल तो अब होगा नहीं, तो लीज रिन्यूअल नहीं होगा तो उत्ते की लीज लाइबिलिटी आपने जो दिखा के रखी है वो हटाना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं यार वो लीज लाइबिलिटी अब कोई काम की नहीं है, आपने लीज लाइबिलिटी 27 मंथ्स की दिखाई थी, कुछ आपने ये 3 महीने की दिखाई थी और कुछ आपने 24 महीने की दिखाई थी। ये 3 महीने की रहने देते हैं और ये हटा देते हैं, अब यही करना पड़ेगा ना, अब यही करना पड़ेगा। तो या तो आप वो 24 महीने का प्रेजेंट वैल्यू बता दो कितना इंक्लूडेड है, या ये 3 महीने का बता दो, 24 महीने का ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि इन पूरे का टोटल तो 1224831 है, ये पूरे का टोटल 1224381 है, ये दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल। तो या ये 3 महीने रखते हैं, वो 24 महीने हटा देते हैं, तो या तो आप वो 24 महीने की प्रेजेंट वैल्यू बताओ उसको हटा देते हैं, या फिर ये 3 महीने की प्रेजेंट वैल्यू बताओ बचा हुआ उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, समझा। चलिए अभी बताइए, अभी भी डाउट है क्या विवेक जी, पार्श्वा जी? तो गौरी जी ने बताया है इसका प्रेजेंट वैल्यू, आई होप आपका इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय इसका पीवी फैक्टर 1 लिया होगा आपने, एडवांस रेंट है, हाँ एडवांस रेंट, तो पहले वाले 50,000 का 1 था। वनरस के बारे में बाद में बात करते हैं ना पार्श्वा जी, रुकिए तो सही, एक एक करके देखिए स्टेप वाइज पढ़िए, पहले तो चेंज इन एस्टिमेट की बात करते हैं, पहले चेंज इन एस्टिमेट हटाते हैं, वो 2 साल का रिन्यूअल हटाते हैं, फिर वनरस की बात करते हैं ना, रुक जाओ पहले पहले उसको हटाते हैं। ये आपने एक लिया होगा, दूसरा वाला एक मिनट में अभी एक बार निकाल देता हूं, वन फोर एट नाइन फोर सेवन, बहुत बढ़िया, करेक्ट है 148947। ठीक है अर्जुन जी, शायद आपने कुछ तो गड़बड़ की होगी, 148947 है ये, और बचा हुआ होगा 1224831 माइनस 148947 से 1075884, ये हट जाना चाहिए, ये हट जाना चाहिए, समझ गए? हाँ भाई किसी को कोई दिक्कत, अब किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन दो टुकड़ों में कर रहे हैं, हाँ गोविंद जी वनरस इंड एज 37 में डिफाइंड है, अभी ये क्वेश्चन दो टुकड़ों में है, पहला टुकड़ा है कि 116 का चेंज इन एस्टिमेट, आप रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, लीज टर्म चेंज हो गया, 116 क्या बोलता है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लीज टर्म रिन्यू होगा तो लीज टर्म में कंसिडर कीजिए, राइट टू यूज एसेट निकालिए, लीज लाइबिलिटी निकालिए, बट सब्सिक्वेंटली आपको लगता है कि आप लीज रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो रिन्यूअल ऑप्शन की वैल्यू जो आपके राइट टू यूज एसेट लीज लाइबिलिटी में इंक्लूडेड है उसको एलिमिनेट कीजिए, उसको एलिमिनेट कीजिए, चेंज इन एस्टिमेट्स, चेंज इन एस्टिमेट्स, तो चेंज इन एस्टिमेट के हिसाब से उतनी वैल्यू मैं डी रिकॉग्नाइज करूंगा, आप समझ रहे हैं? तो अभी तो मैंने 116 की बात की आपसे, अभी तो हम 37 पे आए ही नहीं है, अभी तो 2 साल का रिन्यूअल हटवा रहा हूं मैं आपसे, पहले 2 साल का रिन्यूअल हटाइए फिर बाद में बात करेंगे वनरस की, क्वेश्चन दो टुकड़ों में है। हाँ अभी सब लोगों को समझा गया, पहले तो मेरे को ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि आप लोगों को समझा गया, तो मुझे इतना लीज लाइबिलिटी हटाना है, लीज लाइबिलिटी को मैं डेबिट करूंगा 1075884 से, टू राइट टू यूज एसेट, अब यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे, देखिए पहले 116 समझ लीजिए फिर 37 का इंपैक्ट समझते हैं, ठीक है, और कम से कम बोलो तो सही, हाँ समझा नहीं समझा, अरे मेरे को कुछ तो बताओ, आप लोग कुछ बोलोगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? हाँ और अगर नहीं समझ रहे हैं, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या नहीं समझ में आ रहा है ये जरा सा मैसेज कीजिए प्लीज, कोई कुछ बोलेगा नहीं तो मेरे को कैसे समझेगा कि मेरे को करना क्या है, मैं खुद को थोड़ी पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको राइट टू यूज एसेट समझाऊंगा, लीज लाइबिलिटी मैंने आपको बता दिया, अब राइट टू यूज एसेट की बात करूंगा, जब भी रिडक्शन इन स्कोप होता है तो क्या होता है, देखिए इंक्रीज इन स्कोप और रिडक्शन इन स्कोप दो अलग कहानियां होती है। अरुणा जी ये कैसे आया मैं आपको बताता हूं, ये देखिए 50,000 अप्रैल, 50,000 मई,
50,000 जून, 3 महीने बचे हैं आपके, 3 महीने बचे हैं। पहले वाले का पीवी फैक्टर 1, दूसरे वाले का 1/100,07083 कुछ तो भी है, तो ये आ रहा है 0.9929, तीसरे वाले का आ रहा है 0.9859। तो हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये आया 148। ये रेंट आपको देना है अप्रैल मई जून, रिन्यूअल तो जुलाई से हुआ ना, रिन्यूअल जुलाई से हुआ, तो ये वाला अमाउंट हम लोगों ने निकाला। ठीक है, चलिए रिदम जी, कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा मेरे को जरा वो बताइए ना, तो अपन इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो तो अपन क्या कर रहे हैं, आप एक लॉजिक समझो। पहले आपने 5 साल के बेसिस पे राइट टू यूज एसेट निकाला, 5 साल के बेसिस पे लीज लायबिलिटी निकाला। अब 3 साल हो गए, अब 3 साल के बाद आप बोलते हो कि नहीं हम तो एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। तो अगर आप कोई चीज बोलते हो कि नहीं एक्सरसाइज करोगे, तो ये 5 साल को वापस 3 साल पे लाओगे कि नहीं लेके आओगे? कम करना पड़ेगा ना ये 5 साल के पीरियड को। हम कम कर रहे हैं यहाँ पे, हम और क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, वो 24 महीने एलिमिनेट कर रहे हैं, वो 24 महीने की जो लीज लायबिलिटी आपने दिखाई थी उसको हटाओ, निकालो उसको, वो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ओके चलो। अब राइट टू यूज एसेट कैसे हटता है, जब रिडक्शन इन स्कोप होता है तो राइट टू यूज एसेट कैसे हटता है? राइट टू यूज एसेट प्रोपोर्शनेट हटता है। 11,04,445 इज फॉर 27 मंथ्स, है ना, हमें 24 मंथ्स का एलिमिनेट करना है, ये प्रोपोर्शनेट हटेगा। यहाँ प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट काम नहीं करेगा, यहाँ प्रोपोर्शनेट हटाना पड़ेगा कि इसमें प्रोपोर्शनेट इतनी वैल्यू हम लोगों को रिड्यूस करनी है, हटाना है। समझ में आया, बताइए। तो 1104445 डिवाइडेड बाई 27 × 24, 981729। डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। हाँ भाई, अरे विवेक जी पेशेंस लाना कौन सी बड़ी बात है, सीए स्टूडेंट को तो दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंस होता है। हाँ समझ गया सब लोगों को, ये एंट्री समझ गई क्या हुआ, रिडक्शन इन स्कोप में ऐसा होता है। अगर इंक्रीज इन स्कोप है तो सिंपल है, जितने से लीज लायबिलिटी बढ़ी उतना पूरा राइट टू यूज एसेट में जाता है, पीएल इंपैक्ट कुछ नहीं होता। इंक्रीज इन स्कोप में तो सिंपल है, जितने से लीज लायबिलिटी बढ़ी पूरा राइट टू यूज एसेट में जाता है। डिक्रीज इन स्कोप में अलग अलग होता है ट्रीटमेंट, लीज लायबिलिटी का ट्रीटमेंट अलग है, राइट टू यूज एसेट का ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहां पे कर दिया, हमने राइट टू यूज एसेट लीज लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर दिया। अब मेरे बुक्स में लीज लायबिलिटी दिख रही है 148947, शॉर्ट टर्म लीज बचा है सर, आरओयू फुल डीरिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऋषभ जी शॉर्ट टर्म लीज की बात आती ही नहीं है, अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं इसलिए आप बोलोगे शॉर्ट टर्म लीज है, ओरिजिनल लीज 3 साल का था ना, शॉर्ट टर्म लीज कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा यहाँ पे, यहाँ शॉर्ट टर्म लीज की बात नहीं हो सकती, ओरिजिनल लीज का टर्म आपका 3 साल था। और राइट टू यूज एसेट हमारा बचा है कुछ 1104445 माइनस 981729 122716। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे पहले तो हमने 116 के हिसाब से आंसर दे दिया, अब हम लोग आंसर दे रहे हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे हम लोग इस लीज को कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि ये लीज कॉस्टली है। अब हमको ये नहीं पता कि इसमें कैंसिलेशन क्लॉज है क्या, तो मैं ये मान लेता हूं ये 3 महीने आप कैंसिल नहीं कर सकते, मैं ये मान रहा हूं कि ये 3 महीने आप कैंसिल नहीं कर सकते, तो आपके लिए तो ये वनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि अब वो जगह आपकी काम की नहीं है, आप इस लीज को कैंसिल करना चाहते हैं, मतलब ये जगह अब आपकी काम की नहीं है, यानी आप बचे हुए 3 महीने का पेमेंट करेंगे। रफली ऐसा ही सवाल यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ देखिए व्हाट विल बी द लीज लायबिलिटी ऑन 31 मार्च ऑफ एमजी बिल्डिंग, अभी सिर्फ लीज लायबिलिटी की बात की है, और इसके बाद एक क्वेश्चन है जहां पे इन्होंने एनालाइज करने बोला है, आपको लीज को एनालाइज करने बोला है कि अगर ये वनरस हो जाए तो क्या होगा रिगार्डिंग लीजेस। ठीक है, अकाउंटिंग इंप्लीकेशन और रिगार्डिंग लीजेस, मतलब अगर आप इसे वनरस ट्रीट करते हैं तो क्या होगा। मैंने आपको दो बातें बता रहा हूं, एक लीज लायबिलिटी कितने पे दिख रही है, वो आंसर तो हमारा निकल गया, ये वहां पे होगा भी शायद ऑप्शन, देख लेते हैं यार यहां तक किए, ये देखो ये आंसर भी है यहाँ पे, ये आंसर भी है यहाँ पे। अब अगर ये वनरस हो जाए तो क्या होगा, वनरस हो जाए तो क्या होगा, फटाफट बताइए। मैं आपको बोल रहा हूं ये वनरस है, लेट्स अज्यूम कि ये वनरस है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रोविजन एंड गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड की अकाउंटिंग होगी। हाँ गवर्नमेंट ग्रांट की बात अलग है, पर यहाँ प्रोविजन की अकाउंटिंग क्या होगी ये बताइए,
राइट टू यूज, बट राइट टू यूज एसेट का क्या, ये पढ़ा है ना, ये राइट टू यूज एसेट भी पढ़ा है, लीज लायबिलिटी भी पढ़ा है। मैं तो पूछ रहा हूँ अर्जुन जी आपको कि अभी क्या होना चाहिए। देखो अब आप ये तो मान रहे हो कि अगर वनरस हो गया तो अब ये राइट टू यूज एसेट भी आपके कोई काम का नहीं है, वनरस हो गया ना, तो वनरस में हम लोग क्या करेंगे। वनरस में लीज लायबिलिटी तो पड़ी रहेगी क्योंकि वो तो पे करना है आपको, वो तो लीज लायबिलिटी है, वो तो लायबिलिटी है ही आपकी, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते उस लायबिलिटी को। ये वो अमाउंट है जो पीएल में चले जाएगा बीइंग वनरस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी आपके लिए एसेट ही नहीं है, ये इंपेयर हो गया, ये इंपेयर हो गया, समझ रहे हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वनरस हो जाता है, लीज लायबिलिटी तो इतनी रहेगी, लीज लायबिलिटी नहीं बदलेगी, वो तो मेरी लायबिलिटी है बाबा, वो तो मुझे पे करना है, वो तो मुझे पे करना है, वो नहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। ये जो राइट टू यूज एसेट है ये पूरा पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, अब मुझे इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, समझ गए। बताइए कंसेप्ट क्लियर, आरटीयू डेबिट एंड लायबिलिटी फॉर लीज लायबिलिटी। हाँ अर्जुन जी वो तो ऑलरेडी बुक्स में दिख रही है ना, अरे ये तो ऑलरेडी बुक्स में दिख रही है, अब क्या आरटीयू को डेबिट करूं, अब क्या लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करूं, ये तो ऑलरेडी बुक्स में दिख रहे हैं दोनों फिगर्स। आपकी एंट्री होगी पीएनएल डेबिट टू राइट टू यूज एसेट 122716, कोई प्रोविजन नहीं हुआ, ये एंट्री होगी आप लोगों की, समझ रहे हैं। दिस इज इंड एस 37 अलोंग विद इंड एस 116। ये एक बात समझाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करवाई आप लोगों को, क्योंकि एंड में स्टूडेंट यही बोलता है सर 148947 का प्रोविजन बन जाएगा, अरे कहाँ से प्रोविजन बनेगा, वो ऑलरेडी मेरे बुक्स में लाइबिलिटी दिख रही है, मैं उसका प्रोविजन कहाँ से बनाऊँ और क्यों बनाऊँ, जब मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे पे करना है, तो मैं प्रोविजन क्यों बनाऊँ उसका। तो इंड एस 37 का इंपैक्ट अलॉन्ग विद इंड एस 116 ये कंसेप्ट को समझाता है, अदरवाइज मुझे ये 2 साल वाली कंसेप्ट आप लोगों को सॉल्व करवाने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन ने मांगा ही नहीं था ये तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको पूरा 2 साल के साथ में पूरा का पूरा इंपैक्ट समझाया है, ठीक है। चलिए अभी क्लियर है पूरी जर्नल एंट्री। गौरी जी आपने प्रोविजन की बात की थी, विवेक जी आपने प्रोविजन की बात की थी, सब लोगों को क्लियर है क्या बताइए मुझे। अच्छा आपने डी रिकॉग्निशन बोला था, ओके ओके ओके। चलिए बढ़िया ठीक है आगे बढ़े। देखिए ऋषभ जी मेरा ये सवाल था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए वनरस हो गया, कि आप कैंसिल करना चाहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब ये लीज अब आपके कोई काम की नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आपकी बुक्स में लीज लायबिलिटी राइट टू यूज एसेट दिख रहा है, ये ऊपर मैंने फिगर्स दिखाए हैं आपको 981729 और 94115, ये दो फिगर्स मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। अब इसमें से लीज लायबिलिटी तो है ही, लीज लायबिलिटी तो हटी नहीं हमारी, नहीं ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं, ये दोनों सॉरी ये दोनों राइट टू यूज एसेट दिख रहा है 122716 और लीज लायबिलिटी 148947। अब ये लीज लायबिलिटी तो मेरी लायबिलिटी है, मैं इसको तो हटा नहीं पाऊंगा, समझ रहे हैं। राइट टू यूज एसेट अब मेरा एसेट है ही नहीं, काम का ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए वनरस हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वनरस हो गया, तो ये राइट टू यूज एसेट को पूरे तरीके से इंपेयर करके खत्म कर दो। इंड एस 37 का इंपैक्ट सिर्फ ये रहा कि ये राइट टू यूज एसेट मेरा पीएल के अंदर चला गया। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं सर आप इंपेयर कर रहे हैं तो इंड एस 36 है, 37 नहीं है, हाँ बोल सकते हैं, पर वनरस कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट कवर किया गया इंड एस 37 में, इसलिए 37 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि राइट टू यूज एसेट पीएल में चले जाएगा और लीज लायबिलिटी एज इट इज पड़ा रहेगा, क्योंकि वो लायबिलिटी तो पे ही करना है ना, आने वाले 3 महीने आपको रेंट तो पे ही करना है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये समझाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है ऋषभ जी आई होप क्लियर होगा। चलिए बढ़िया साहब, बाकी सभी लोगों ने कहा है कि क्लियर है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं लीज ऑफ टैगोर स्ट्रीट। विवेक जी का कहना है कि सर राइट टू यूज एसेट को चलने दो ना, परेशान क्यों कर रहे हो उसको। देखिए एसेट का एक डेफिनेशन होता है, एसेट का डेफिनेशन होता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिससे मिलता है वो एसेट होता है, जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है वो एसेट नहीं है, ये एसेट नहीं है, ये क्यों एसेट है आपका, ये इंपेयर हो गया ना, क्यों प्रोविजन बनाऊं मैं, मुझे पता है मेरे को इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, तो मैं इसको 3 महीने तक के डिप्रिशिएट क्यों करूँ कमिंग 3 मंथ्स, ये इंपेयर हो गया, खत्म हो गई इसकी कहानी, समझ रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, और मैं प्रोविजन क्यों बनाऊँ जब मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि ये मेरी लाइबिलिटी है, वाई शुड आई मेक अ प्रोविजन फॉर इट, है ना। चलिए सर्विस अपार्टमेंट इन कानपुर इज सिचुएटेड क्लोज टू द कॉन्ट्रोवर्शियल प्लान, द लीज एग्रीमेंट नॉन कैंसिलेबल है 2 साल के लिए जो 30 जून 2004 को एंड होगा, 30 जून 2004, ध्यान दीजिए हम 31 मार्च 2003 पे, ये 30 जून 2004 को एक्स एंड होगा, यानी 15 मंथ्स, 15 मंथ्स, एक बार आप लोग देख लीजिएगा,
रेंट 25,000 पर मंथ है, अगेन इन एडवांस मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है टू क्लासिफाई इट एज लो वैल्यू ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, डिसाइडेड टू क्लासिफाई द लीज एज लो वैल्यू ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, नो रिन्यूअल ऑप्शन एग्जिस्ट, हाउएवर इफ द लीज अर्ली टर्मिनेट्स इट विल हैव टू पे पेनल्टी इक्वल टू 2,50,000, अगर आपने अर्ली क्लोज किया तो 2,50,000 की पेनल्टी देना पड़ेगा. मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू टर्मिनेट द लीज गिविंग इमीजिएटली अ 1 month नोटिस टू द लैंडलॉर्ड. नोटिस दे दिया हमने 1 month के नोटिस के साथ, यानी कि 30 मार्च को हम नोटिस दे रहे हैं, अप्रैल का रेंट हम देंगे और हम टर्मिनेट कर रहे हैं. टर्मिनेट कर रहे हैं मतलब 2,50,000 रुपये देना पड़ेगा. टर्मिनेट कर रहे हो तो 2,50,000 रुपीज़ देना है. मार्केट रेट 7.5% दिया हुआ है यहाँ पे, 7.5%. क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए हमें इसके बारे में, क्या करना चाहिए फटाफट बताइए. व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन ओवर हियर. ठीक है रिदम जी, वन रस तो करेंगे क्या बताइए. अर्जुन जी का कहना है सर प्रोविजन बनाइए 2.5 लाख का. अब सीधी बात है, ऊपर लिखा था पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 2.5 लाख रुपीस, तो 2.5 लाख रुपीस डिस्काउंट रेट का कोई काम नहीं है, 2.5 लाख रुपीस का प्रोविजन बनेगा. ऊपर कुछ बातें बताई गई थी, ट्रीटिंग द सेम एज लो वैल्यू. तो पहली बात तो इसको आप लो वैल्यू ट्रीट नहीं कर सकते. अगर आपने इंडिया 116 पढ़ा होगा तो अपार्टमेंट को लीज करना लो वैल्यू में नहीं आता. लो वैल्यू में क्या आते हैं, छोटे मोटे एसेट्स आते हैं, जैसे कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है, या वाटर प्योरीफाइंग मशीन है, ऑफिस इक्विपमेंट्स है, छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, बड़ी चीज़ें नहीं आती. अब रेंटिंग एन अपार्टमेंट छोटी मोटी चीज़ नहीं कह सकते, तो इसे लो वैल्यू एसेट तो नहीं क्लासिफाई किया जा सकता. तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा गलत है जो ऊपर लिखा हुआ है कि हमने इसे लो वैल्यू एसेट ट्रीट किया. आप इसे लो वैल्यू एसेट ट्रीट नहीं कर सकते. तो एक तो 2.5 लाख रुपये की पेनल्टी की बात होगी, उसका प्रोविजन बनेगा. राइट टू यूज़ एसेट जो दिख रहा होगा बुक्स में वो हटेगा, लीज लायबिलिटी हटेगी, उसका डिफरेंस भी पीएल में जाएगा. 2.5 लाख रुपए का प्रोविजन बनेगा यहाँ पे. ठीक है बताइए, क्लियर है. पेनल्टी 2,50,000 रुपीज़ करेगा. जिसने भी पेनल्टी कहा है बहुत बढ़िया. किसी को भी कोई डाउट होगा तो एक बार पूछ लीजिएगा. अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है ये लो वैल्यू एसेट हमने ट्रीट किया था इनिशियल रिकॉग्निशन में, जो कि गलत है. मूविंग अहेड, यहाँ तक के हम लोगों की कहानी मेरे हिसाब से 105 और 37 की ख़त्म हो गई है. हाँ, अब हम आ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे. अब क्या हो रहा है, जब ये सब्सिडियरी को बंद करोगे तो हो सकता है इससे रिलेटेड, यानी जी लिमिटेड अगर लिक्विडेट करने की बात कर रहा है, तो अब बहुत सारे आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी लिक्विडेट करोगे, पैसे अर्न करने की बात करोगे, है ना. तो अब उनके बारे में बात कर रहे हैं. नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द लास्ट पार्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से भी रिलेटेड थोड़ा बहुत रिक्लासिफिकेशन की बात होगी, इंपेमेंट की बात होगी. चलिए आइए देखते हैं. 31 मार्च 2003 आपके फाइनेंशियल एसेट्स की ये पोजीशन दी हुई है. पहली बात, इक्विटी शेयर्स है एबीसी के, एक लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड. बुक वैल्यू 13 है, फेयर वैल्यू 13 है. प्रेजेंटली मेजर्ड एट FVOCI. इररिवोकेबल इलेक्शन लिया था आपने. एक मिनट, रिदम जी का एक डाउट है कि सर अगर लीज लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू कम हो पेनल्टी से तो प्रेजेंट वैल्यू का प्रोविजन करेंगे क्या. रिदम जी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है कि टर्मिनेट कर रहा हूं. जब लिखी दिया टर्मिनेट कर रहे हैं तो हम डिसाइड क्या करें. पर आप जो बोल रहे हैं ना, वो इसमें क्वेश्चन पूछा है डिस्क्रिप्शन में, इन्होंने एंड में क्वेश्चन पूछा है कि इसमें हमें टर्मिनेट करना चाहिए या लीज को कंटिन्यू करना चाहिए भले ही वो जगह को हम ना यूज़ करें. तो आप जो बोल रहे हैं ना, डिसीजन मेकिंग का जो क्वेश्चन होता है आपका कि लीज को टर्मिनेट करना चाहिए कि नहीं, वो इन्होंने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन में, हालांकि ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि 2,50,000 रुपीज़, तो उस बेसिस पे ही होगा. ठीक है, विवेक जी का कहना है सर वनरस कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी और पेनल्टी विच एवर इज लोअर का प्रोविजन होगा. हाँ करेक्ट विवेक जी, लायबिलिटी और पेनल्टी विच एवर इज लोअर. पर यहाँ तो आपने बोल ही दिया ना, मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, बोल दिया सामने वाले को भैया 1 month नोटिस दे दिया टर्मिनेट, तब तो पूरे 2.5 लाख रुपए का होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ तो आपके पास. ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं है. हाँ भाई, तो FVOCI क्लासिफाई किया था विद इररिवोकेबल इलेक्शन. गिवन मैनेजमेंट कंसर्न्स अबाउट इम्पेंडिंग लिक्विडिटी, इट हैज बीन डिसाइडेड टू ऑप्टिमाइज रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय कैशिंग इन द प्राइस फ्लक्चुएशन. कोई प्राइस फ्लक्चुएशन है तो उसको कैश करके खत्म करना है, कुछ भी OCI में नहीं है. तो पहली बात, इसको मैं रिक्लासिफाई कर सकता हूँ क्या FVTPL, पहले तो ये बताओ क्या ये रिक्लासिफाई हो सकता है इनटू FVTPL. FVOCI हम लोगों ने इरिवोकेबल ऑप्शन के साथ में इसे क्लासिफाई किया था, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, क्या मैं इसे FVTPL रिक्लासिफाई कर सकता हूँ क्या, फटाफट बताइए. चलिए बताइए बताइए सभी लोग.
अर्जुन जी का कहना है नहीं सर, नहीं रिक्लासीफाई हो सकता। आप में से कई लोगों का कहना है नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से भी नहीं हो सकता। मैंने इसका एग्जैक्ट आंसर पढ़ा नहीं है, वैसे इसका आंसर उन्होंने क्या ही दिया होगा क्योंकि फेयर वैल्यू भी सेम ही है, तो उन्होंने कोई इम्पैक्ट ऐसा समझाया नहीं होगा। देखिए अगर बॉन्ड्स होते हैं ना तो फिर आप रिक्लासीफाई कर सकते हैं, इक्विटी के केस में रिक्लासिफिकेशन नहीं होता है क्योंकि आपने इरिवोकेबल ऑप्शन ऑप्ट किया, इरिवोकेबल। ठीक है चलो, ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं, 56, ये भी 56। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू कलेक्ट दम ऑल, कंपल्शन टू शट डाउन, विल रीअसाइन द फॉरन रिसीवेबल बैक टू पेरेंट। अगर हम बंद कर देते हैं तो हम हमारे ट्रेड रिसीवेबल वापस पेरेंट को दे देंगे, ऐसे मुझे लगता नहीं इसमें भी कोई इम्पैक्ट है। यहाँ पे मुझे कुछ चेंज दिख रहा है, यहाँ मुझे कुछ चेंज दिख रहा है ऊपर वाले पॉइंट को लेके, ट्रेड रिसीवेबल को लेके किसी को कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। यहाँ मुझे कुछ चेंज दिख रहा है, यहाँ फेयर वैल्यू 35 है, प्रेजेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट, फिलहाल अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर हुआ है ACM। ठीक है बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स है, ACM मेजर हुए हैं। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिक्लासिफिकेशन आर सेटिस्फाइड, रिक्लासिफिकेशन आर सेटिस्फाइड, दीज आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। और अब हमारा प्लान है हम इसको बेच देंगे मार्केट में, हम इसे बेच देंगे मार्केट में। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इसमें? कंडीशंस फॉर रिक्लासिफिकेशन आर सेटिस्फाइड और अब हम इसे बेच देंगे मार्केट में, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे बताइए। बस थोड़ा सा और बचा है, फटाफट कर लीजिए, एक दो तीन, सिर्फ तीन इन्वेस्टमेंट्स और बचे हैं, फिर उसके बाद तो ये क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं रह जाएगा इसमें, सिर्फ तीन इन्वेस्टमेंट्स और, फटाफट बता दीजिए। हाँ 6 लाख रुपीज़, रिदम जी का कहना है कि OCI में चला जाएगा, ठीक है 6 का गेन OCI में चला जाएगा ऐसा आपका कहना है। ठीक है FVTPL, हाँ ये FVTPL क्लासीफाई हो सकता है क्या, मैं ये 6 को FVTPL में डाल सकता हूँ क्या? क्या मैं FVTPL क्लासिफाई कर सकता हूँ? ट्रेड रिसीवेबल्स अगर पेरेंट को फिर से ट्रांसफर करूंगा तो सब्सिडियरी कैसे अकाउंट करेगी, डिविडेंड पेड दिखाएगी क्या? नहीं अर्जुन जी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ट्रेड रिसीवेबल रिसेंटली असाइन हुआ है, अगर ये बहुत पुराने असाइन हुए होते ना तो आपकी बात सही होती थी, ये रिसेंटली असाइन हुए हैं तो मेरे हिसाब से आपने जो इन्वेस्टमेंट दिखाया था ना वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी करके एंट्री दिखाई थी ना वो रिवर्स हो जाएगी, अभी अभी तो अलॉट किया था, अगर ये बहुत पहले अलॉट किए हुए होते ना तो आपकी बात सही होती थी। FVTPL तो आप में से कई लोगों का कहना है कि FVTPL रिक्लासीफाई हो सकता है, ठीक है किया जा सकता है, हाउएवर इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने आगे बोल के रखा है कि इसे हम FVOCI क्लासीफाई करके चल रहे हैं तो FVOCI के बेसिस पे अकाउंटिंग दी हुई है, तो इससे रिलेटेड कई बार स्टूडेंट मुझे डाउट पूछते हैं सर ये PL में क्यों नहीं गया, ये OCI में क्यों जा रहा है, तो ये सिर्फ यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने GFRS की जब केस स्टडीज में लेता था तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था, तो वहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इससे रिलेटेड डाउट पूछा था कि 6 को PL में क्यों नहीं ले गए, क्योंकि वो लोग OCI के लिए रिक्लासीफाई कर रहे हैं इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है ये PL में भी जा सकता है अगर आपको लेके जाना है तो। अब देखिए बॉन्ड्स इशूड बाय द पेरेंट कंट्रीज गवर्नमेंट, पेरेंट कंपनी जहाँ पे है वहाँ की कंट्री से हमने जो बॉन्ड्स लिए थे, बॉन्ड मैच्योर होने वाले हैं 31 अगस्त को, FVOCI क्लासीफाई हुआ था, FVOCI गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी सफर्ड अ प्राइस डिक्लाइन, गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स, गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है जिसके कारण इसका प्राइस डिक्लाइन हुआ है। ठीक है नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकूप एनी टाइम इन शॉर्ट फ्यूचर, स्टेबल रेटिंग है, पर स्टेबल रेटिंग है मतलब इम्पेमेंट नहीं है, मेच्योरिटी अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली कलेक्टेड, मेच्योरिटी अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा पूरे तरीके से, इम्पेयरमेंट नहीं है, इम्पेयरमेंट नहीं है वो ये क्लियर कर रहे हैं, पर रेटिंग गिरी है थोड़ा बहुत, मार्केट वैल्यू कम हुआ है, टू अवॉइड कैपिटल एरोजन पॉसिबल रिटर्न्स मैनेजमेंट डिसाइडेड टू वेट टिल मेच्योरिटी, और फिलहाल इसकी फेयर वैल्यू 11 लाख है, फिलहाल इसकी फेयर वैल्यू 11 लाख है। ठीक है अब आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं ये 2000 में खरीदे थे और तब फेयर वैल्यू 11 लाख थी, मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ कुछ तो भी कंफ्यूजन है, ये आखिरी वाली लाइन में कुछ तो भी कंफ्यूजन है, बताइए ये अभी की फेयर वैल्यू मान लेते हैं 11 लाख, क्योंकि वो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स के कारण कुछ गड़बड़ हुई है और इसका फेयर वैल्यू कम हो गया, तो 11 लाख रुपीज़ मान लेते हैं, तो क्या करेंगे? करेक्ट 4 लाख OCI से रिड्यूस कर देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 4 लाख OCI से रिड्यूस कर देंगे। गौरी जी FVOCI क्लासिफाइड बॉन्ड्स है ना, तो फेयर वैल्यू पर तो दिखाना पड़ेगा,
फेयर वैल्यू पे तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो इम्पैक्ट आएगा। आई होप किसी को यहाँ तक के कोई डाउट नहीं है। जी लिमिटेड हैज फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, एसोसिएट एच लिमिटेड। हाँ पार्श्वा जी, वो लिखा वैसा ही है, पर अगर आप आंसरिंग देखेंगे ना, तो मेरे हिसाब से उन्होंने 11 लाख फेयर वैल्यू के बेसिस पे आंसरिंग की है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी फेयर वैल्यू 11 लाख है। अगर मैं ये बोल दूँ आपने खरीदा 11 लाख रुपीज़ में, तो 4 लाख रुपये से वैल्यू रिड्यूस करने का कोई लॉजिक नहीं दिखता मुझे। उन्होंने 4 लाख रुपये से वैल्यू को रिड्यूस किया है। अगर अभी की फेयर वैल्यू 15 ही है, तो मैं 4 लाख से वैल्यू रिड्यूस क्यों करूँगा उसी एम से, है ना? समझ रहे हैं? तो मेरे को लगता है कुछ तो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्रेमिंग एरर है। वो 11 लाख में परचेज है, ये मुझे नहीं लगता, कुछ गड़बड़ हुई है। चलिए, हाँ, आपकी बात सही है, पर यहाँ रिसेंटली वर्ड यूज़ हुआ है। अब देखिए, इंस्टीट्यूट ने ना, अगर मैं ये बोलूँ कि अभी फेयर वैल्यू 15 है, तो इंस्टीट्यूट ने 4 लाख OCI में से कम किए हुए हैं। कोई लॉजिक नहीं दिखता ना, आप 4 लाख OCI में से कम क्यों करोगे? अगर मार्केट वैल्यू ही 15 लाख है, इंपेयरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं 4 लाख OCI में से कम क्यों करूँगा? कोई सेंस नहीं बनता ना उसका। तो इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑल्टर कर रहा हूँ। अदरवाइज आप अगर जो बोल रहे हैं उस हिसाब से, तो 15 ही रहेगा, नो चेंज है, फिर नो चेंज इम्पैक्ट आएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी आपकी एसोसिएट है। अरे आप लोग जो भी बोल रहे हो, सब लोग एकदम सही बोल रहे हो। वहाँ पे लिखी हुई कहानी से यही समझ में आता है कि आपने 11 लाख में खरीदा है। मैं मना नहीं कर रहा उस बात को, पर इंस्टीट्यूट ने 4 लाख रुपए को OCI में डेबिट करवा दिया। मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा किया होगा, मतलब शायद वहाँ फ्रेमिंग एरर हुआ है इसीलिए, और कुछ नहीं है। आप लोग को समझिए, वरना इंस्टीट्यूट आंसर क्यों 4 लाख रुपये डेबिट कर रहा है ना? ठीक है, जाने दीजिए, इग्नोर कीजिए उसको, आगे बढ़िए। अभी फिलहाल तो अपनी एसोसिएट है, अपनी एसोसिएट है, फॉरेन लिस्टेड एंटिटी है। अब यहाँ क्या लिखा है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है ध्यान दीजिए। जी लिमिटेड का नॉमिनी डायरेक्टर बोर्ड में था, इस एसोसिएट के बोर्ड में आपका नॉमिनी डायरेक्टर था। न्यूज़ ऑफ कोर्ट ऑर्डर, आपका कोर्ट ऑर्डर है ना लिक्विडेशन वगैरह का, अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैव नोटिफाइड द रेजोल्यूशन टू रिमूव द नॉमिनी डायरेक्टर। आपके नॉमिनी डायरेक्टर को निकाल दिया, बिलीव टू बी द रीजन फॉर डिजास्टर ऑफ जी लिमिटेड। ये माना जाता है कि जी लिमिटेड की हालत खराब उसी डायरेक्टर के कारण हुई है, जो नॉमिनी डायरेक्टर है उसको निकाल दिया। ठीक है, दिस इज कॉज डिक्लाइन इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एसोसिएट का फेयर वैल्यू डिक्लाइन हो गया। देर इज अनसर्टेनिटी ऑफ वर्दी सब्सटीट्यूशन, ऑल मटेरियल सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट आर इमीडिएटली टर्मिनेटेड। जी के साथ जो भी परचेज सेल कॉन्ट्रैक्ट थे, वो भी टर्मिनेट कर दिया। सिचुएशन समझ गया आप लोग, क्या हुआ? ये आपकी एसोसिएट है, नॉमिनी डायरेक्टर को निकाल दिया और सारे परचेज सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। क्या अब भी आपकी एसोसिएट है, क्या अब भी आपकी एसोसिएट है, या रिक्लासीफाई हो जाना चाहिए? सोच समझ के बताइएगा। सर आप जो बोलो वही मान लेंगे। अरे नहीं, गोविंद जी ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर आप ओरिजिनल फ्रेमिंग के साथ चलें, इंस्टीट्यूट ने 4 लाख OCI में डेबिट कर दिए, कोई रीजन नहीं दिखता ना 4 लाख रुपीज़ OCI में डेबिट करने का, अगर 15 लाख ही फेयर वैल्यू है, और वो बोल रहे कि इंपेयर भी नहीं हुए, बीच की कहानी भी बता रही है इंपेयर नहीं हुई, तो आपने 4 लाख डेबिट क्यों किया? इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने खुद तो फ्रेमिंग एरर किया है वहाँ पर। मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। अर्जुन जी का कहना है डेबिट करेंगे एसोसिएट एंड शो एज इन्वेस्टमेंट्स। क्या बात है अर्जुन जी, बहुत बढ़िया। डी रिकग्नाइज करेंगे, DR मतलब डी रिकग्नाइज था आपका, ठीक है ठीक है। अब ये एसोसिएट नहीं रही, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस खत्म हो गया ना, आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गए, आपका नॉमिनी डायरेक्टर भी हट गया, तो अभी आपकी एसोसिएट नहीं रही। दिस विल बी रिक्लासिफाइड फ्रॉम इंड एस 28 टू इंड एस 109। ठीक है, समझ गए? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गौरी जी, वेरी गुड अर्जुन जी। चलिए अगले वाले पे आते हैं। 10% डिबेंचर्स भी लिए हुए हैं। डिबेंचर्स कैरी एनुअल रिडेम्पशन फीचर, मेच्योरिटी 30 जून 2004 है, 15 महीने बाद। हाउएवर सिंस जी वॉज इन डिफॉल्ट, सर्टेन कंडीशन सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इंक्लूडेड द स्टेट स्टैचुटरी कंप्लायंस ऑर्डर्ड बाय इंडियन कोर्ट, एच लिमिटेड इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू ऑनर रीपेमेंट शेड्यूल अंटिल जी लिमिटेड कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैच्यूट। अब एच लिमिटेड के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इस डिबेंचर का पेमेंट वो आपको टाइम पे करे, जब तक जो भी स्टेट्यूट में बोला गया है वो सब आप फॉलो नहीं कर लेते। सच कंडीशंस वर इंक्लूडेड इन कंप्लायंस विद ऑब्लिगेशंस इम्पोज बाय फॉरेन गवर्नमेंट। तो फॉरेन गवर्नमेंट ने जो भी कंप्लायंस लगाए थे उससे रिलेटेड है, टू एलिमिनेट एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी इशूज फेस्ड इन दैट पोर्ट ड्यू टू प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कानपुर प्लांट। ठीक है, ये सारी की सारी बातें बताई गई है यहाँ पे। आपको क्या लगता है, यहाँ पे हमने इम्पेमेंट कुछ बुक करना चाहिए क्या इन डिबेंचर्स से रिलेटेड? इन डिबेंचर्स का पेमेंट टाइमली था, पर हमने जो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज दिया था कि अगर हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे, तो सामने वाला हमको पे करने के लिए ऑब्लाइज नहीं है, ये पहले वहाँ लिखा है।
और हमने फॉलो नहीं किया, खुद तो कोर्ट ऑर्डर आया, वो कोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड हम लोगों को समझ में आ रहा है एच ने बोल दिया अब हम आपको पेमेंट करने के लिए ऑब्लाइज नहीं है, यानी अब जो टाइमली पेमेंट मिलना था वो टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगा जब तक हम उस स्टेट्यूट को कंप्लाई नहीं कर लेते। क्या हमारे डिबेंचर्स इंपेयर हो गए? क्या इससे रिलेटेड मुझे किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? फटाफट सोच समझ के बताइए कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है क्या, येस और नो? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिए। पाशवा जी का कहना है हाँ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। इम्पेयरमेंट लॉस अर्जुन जी का कहना है, विवेक जी का भी कहना है एडजस्टमेंट होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, मुझे आंसर याद नहीं है, आप लोग एक बार आंसर देख लीजिएगा, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। एच की तो हालत ख़राब नहीं हुई, एच तो टाइमली पे करने को तैयार है, पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर आप स्टैट्यूटरी डिफॉल्ट करोगे तो पेमेंट रोक दिया जाएगा, यानी गलती जी की है, गलती एच की नहीं है, तो वाई शुड इन्वेस्टमेंट बी इम्पेयर्ड? इन्वेस्टमेंट इम्पेयर कब करते हैं? जब सामने वाले की क्रेडिट रेटिंग खराब होती है। सामने वाले की क्रेडिट रेटिंग तो खराब नहीं हुई, गलती तो हमारी ही है जिसके कारण पेमेंट रोक दिया गया, पेमेंट तो मिलेगा, समझ रहे हैं? तो मेरे हिसाब से इम्पेयरमेंट नहीं होना चाहिए, ये मेरा आंसर है। इस बारे में इंड एस 32109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ नहीं बोलता, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलता है क्रेडिट रेटिंग खराब होती है तो आप लोग ऐसा करेंगे। पेमेंट टर्म रिवाइज हुए हैं क्या? फिलहाल तो हमको पता ही नहीं ना, स्टैट्यूटरी ड्यूज कंप्लाई होंगे तब जाके पेमेंट टर्म्स के बारे में पता चलेगा। तो जो अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, ACM का अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट, वो भी फिलहाल आने का सवाल ही नहीं होता, वो भी फिलहाल लेने का सवाल ही नहीं होता। मेरे हिसाब से आंसर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो पाशवा जी का कहना है सर इसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैसे है थ्रू डिबेंचर्स? थ्रू डिबेंचर्स भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ही कहलाएगा नाम, पर नॉर्मल ACM ट्रीटमेंट होगा उसका, इंड एस 28 के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं होगी, नॉर्मल अकाउंटिंग होगी इसकी, ठीक है? बताइए आप में से किसी को लगता है कि अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है? यार ये एक छोटी सी कहानी और बची है, ये भी देख लेते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड है। 30 जून गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंटरिम इंस्पेक्शन वॉज कंडक्टेड, ध्यान दीजिए कब हुआ, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को गवर्नमेंट ने एक इंस्पेक्शन किया, 30 अप्रैल, एंड डिस्कवर्ड जीरो प्रोग्रेस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट ऑब्लिगेशन। आपके ऊपर कोर्ट का ऑब्लिगेशन था तो गवर्नमेंट ने बोला चलिए हम देखते हैं कोर्ट ने आपको जो बातें बोली आपने की कि नहीं की, और हमें गवर्नमेंट को दिखा जीरो प्रोग्रेस, तो गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए की पेनल्टी स्लैप कर दी। कब हुआ ये इंस्पेक्शन? 30 अप्रैल। क्या 31 मार्च को हम इसका प्रोविजन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? 31 मार्च को इसका प्रोविजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ है? 30 अप्रैल को इंस्पेक्शन हुआ, गवर्नमेंट ने बोला चलो हम देखते हैं कोर्ट का जो आपको ऑब्लिगेशन बोला गया है वो आपने किया कि नहीं किया, और उनको दिखा जीरो प्रोग्रेस, कुछ काम हुआ ही नहीं है, 12 लाख रुपए की पेनल्टी स्लैप कर दी। तो 12 लाख रुपए की पेनल्टी का प्रोविजन 31 मार्च को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अर्जुन जी का कहना है हाँ होना चाहिए। चलो और कोई जवाब देगा क्या, और भी कोई आंसर दे रहा है? चलो मेरे हिसाब से भी प्रोविजन यहाँ पे होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी प्रोविजन होना चाहिए। क्यों? 31 मार्च के पहले से कॉन्टिंजेंसी एग्जिस्ट कर रही थी, अरे वो तो गवर्नमेंट बाद में आके पेनल्टी लगा दे रही। पेनल्टी क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने काम नहीं किया, 31 मार्च तक के काम नहीं किया इसलिए पेनल्टी लग रहा है ना। पेनल्टी का सब्सिक्वेंट इवेंट से देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं है, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट केम ऑन 30 अप्रैल इसीलिए इसका प्रोविजन नहीं होना चाहिए, ये लॉजिकल बात होगी। गवर्नमेंट अब जैसे कि सपोज कीजिए वो फिट आउट वाला एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों की FR की बुक्स में, एक वो स्मोकर का फिट आउट लगाना है, तो एक डेट दी गई थी वो डेट तक आपको फिट आउट लगाना था, आपने नहीं लगाया तो पेनल्टी का प्रोविजन उसमें करना है, ऐसा एक क्वेश्चन था, है ना? अब गवर्नमेंट बाद में आके आपके ऊपर पेनल्टी लगा देती है तो क्या मैं प्रोविजन नहीं करूंगा? मेरा काम है जो स्टैट्यूट में बोला गया उसको कंप्लाई करना, मैंने कंप्लाई नहीं किया पेनल्टी लग गई, तो गलत नहीं है ना पेनल्टी लगाना? तो प्रोविजन 31 मार्च को ही हो जाना चाहिए, ठीक है? ये बात सब लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यस ही लिखा है, ठीक है? पोस्ट फाइलिंग द अनाउंसमेंट विद NSE रिगार्डिंग रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट मे का हमने रिजल्ट्स डाला इंस्पेक्शन का, ये जो इंस्पेक्शन हुआ है ऊपर उसका, डिमांड फॉर स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, हमारी जो इन्वेंट्री पड़ी थी इन्वेंट्री, ठीक है, शेयर्स की बात नहीं हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू कानपुर प्लांट टू वेरियस स्टॉकिस्ट, जो स्टॉकिस्ट वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट होता था, उसका रेट गिर गया ये ऊपर वाला जो इंस्पेक्शन है उसके कारण। 10 मई एग्रीव्ड स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स डिमांडेड अ कंपेंसेशन ऑफ 17.5 लाख। तो कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कुछ हमारे स्टॉकिस्ट है, उनके पास भी गुड्स पड़े होंगे, अब इन्वेंट्री का रेट गिर गया तो उनका भी नुकसान हुआ, उन्होंने हमको बोला अब आप कंपेंसेट कीजिए। क्या ये कंपेंसेशन का प्रोविजन होना चाहिए?
क्या ये कंपेंसेशन का प्रोविजन होना चाहिए? सोच समझ के बताना, क्या ये 17.5 लाख रुपीज का भी कंपेंसेशन का भी प्रोविजन हम लोग करेंगे, यस और नो? बताइए फटाफट बताइए। अरुणा जी का कहना है यस, करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अर्जुन जी का भी कहना है यस, मेरा आंसर है नो। अब आप समझिए ऊपर का पॉइंट और ये वाले पॉइंट में डिफरेंस है। मैंने कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया, गवर्नमेंट अप्रैल में आई और बोली काम नहीं किया, अच्छा लो पेनल्टी, समझ गए, मैंने काम नहीं किया इसीलिए पेनल्टी लग गई। पेनल्टी की न्यूज़ एनएससी में आई, एनएससी में न्यूज़ आई तो सडनली हमारे स्टॉक का प्राइस गिर गया। क्या मेरे स्टॉक की क्वालिटी खराब थी? क्या मेरे इन्वेंट्री की क्वालिटी खराब थी? उसका प्राइस क्यों गिरा? क्योंकि गवर्नमेंट इंस्पेक्शन हुआ। उसका प्राइस गिरा क्योंकि गवर्नमेंट इंस्पेक्शन हुआ और पेनल्टी लगी। ये तो 30 अप्रैल को हुआ ना, मतलब कंडीशन 31 मार्च को एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अरे स्टॉक की वैल्यू थोड़ी खराब थी, किसने बोला कि स्टॉक की वैल्यू 31 मार्च को खराब थी? स्टॉक का प्राइस इसीलिए गिर गया क्योंकि गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेनल्टी लगा के चले गई। समझ रहे हैं? वो क्लियरली तो लिख रहा है, वो ये थोड़ी बोल रहा है स्टॉक खराब क्वालिटी का है, वो बोल रहा है गवर्नमेंट ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई इसीलिए स्टॉक का प्राइस गिर गया। दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। तो जिसने भी एडजस्टिंग का है प्रोविजन नहीं बनेगा, दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, समझ गया अर्जुन जी? गलती पास्ट की क्या है? कोर्ट ऑर्डर, इन्वेंट्री का उससे क्या लेना देना? इन्वेंट्री का क्या लेना देना किसी भी चीज से? अरे आपने कोई इंस्पेक्शन नहीं कराया, आपने कुछ गड़बड़ कर दी। जैसे मारुति प्लांट में किसी प्रकार का कोई कोर्ट ऑर्डर है जिसका कंप्लायंस करना था, मारुति वालों ने नहीं किया तो मारुति के ऊपर पेनल्टी थोप दी गई, उसके कारण मारुति की गाड़ियों का प्राइस गिर गया। अरे तो गाड़ी थोड़ी खराब है, मारुति कंपनी की इमेज खराब हुई इसीलिए थोड़ा सा प्राइस कम करना पड़ा, मार्केट प्राइस उसका गिर गया, उसका वो कोर्ट ऑर्डर से लेना देना। अगर वो लिखा रहता कि ऊपर जो गवर्नमेंट है उन्होंने चेक किया कि आपने इन्वेंट्री में कंप्लायंस नहीं किया, इन्वेंट्री में कंप्लायंस नहीं किया, तो आप इन्वेंट्री की एनआरवी पे इंपैक्ट ले सकते हैं ना, तब एडजस्टिंग इवेंट होता, अभी थोड़ी एडजस्टिंग इवेंट है, समझ रहे हैं? दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। चलो उसी से रिलेटेड उन्होंने आगे बोला कि जी लिमिटेड ने इशू किए कुछ 15,000 शेयर्स जिसका करंट मार्केट वैल्यू 120 है एज कंपेंसेशन। तो ये जाने दीजिए, ये नॉन एडजस्टिंग है, इसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर लिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ 18 लाख रुपए हो रहे हैं, आपने 15,000 शेयर्स दिए 120 के हिसाब से 18 लाख हो रहे हैं। नेक्स्ट ईयर फटाफट आंसर लिखेंगे, मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आप लोग आंसर में ये बताएंगे कि नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस कितना बुक होना चाहिए इससे रिलेटेड, ये पेनल्टी से रिलेटेड, 17.5 या 18 लाख, क्योंकि आपने इसके बदले 18 लाख के शेयर्स दे दिए, आपने 18 लाख के शेयर्स दे दिए, ठीक है। चलिए ये वाला आंसर फटाफट बता दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। वी लिमिटेड नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, एक वी लिमिटेड जिसने बोला ये आपके गोडाउन, वो जो कानपुर प्लांट में जितना भी स्टॉक पड़ा है ना वो हम पूरा ले लेते हैं, करंट बुक वैल्यू 85 लाख पे, पर इसकी एस्टिमेटेड एनआरवी 65 लाख है, इसकी एस्टिमेटेड एनआरवी 65 लाख है, ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ऑब्वियस ही बात है। ये मैं नहीं पूछ रहा आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सामने वाला ये स्टॉक आपसे लेके चला गया, ठीक है, लाइन एज कैश डिविडेंड, सामने वाला एज डिविडेंड लेके चला गया, तो वो डिविडेंड से रिलेटेड आप एक्सपेंस कितना है, डिविडेंड अमाउंट कितना बुक करेंगे? डिविडेंड 85 लाख का बुक होगा या 65 लाख का? करंट बुक वैल्यू इन्वेंट्री की 85 है, एनआरवी 65 है, तो ये जो डिविडेंड बुक होगा ये कितने का होगा, 85 या 65? फटाफट बताइए, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों ने उससे रिलेटेड 17.5 बोला है, गौरी जी ने, गोविंद जी ने, पार्श्वा जी ने 18 बोला है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन से स्टैंडर्ड की बात हो रही है, स्टैंडर्ड इंड एस 102 IFRS 2, जहाँ बोला गया है कि अगर आपको कोई गुड्स मिलते हैं या आपको सर्विस मिलती है जिसके बदले में आप अपने शेयर्स देते हैं, जिसके बदले में आप अपने शेयर्स देते हैं, तो वैल्यूएशन होता है एज पर फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स रिसीव्ड और सर्विस रिसीव्ड। यहाँ गुड्स नहीं है पर पेनल्टी एज पर गुड्स का ही क्लॉज है, हम जो पे कर रहे हैं वो एज पर गुड्स का ही क्लॉज है, यानी फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट इज रिसीव्ड के बेसिस पे होना चाहिए, 18 पे नहीं होगा, 17.5 पे होगा। क्यों? IFRS 2 लग रहा है, इंड AS 102 लग रहा है इसीलिए, ठीक है। डिविडेंड भी उसी हिसाब से 65 लाख का बुक होगा, 20 लाख का तो पहले इंपैक्ट एनआरवी रिडक्शन लिख देंगे, 20 लाख रुपए लॉस ऑन इन्वेंट्री एनआरवी, वो नेक्स्ट ईयर आएगा नेक्स्ट ईयर, और 65 लाख का डिविडेंड आएगा, 85 लाख का डिविडेंड नहीं आएगा। समझ गया सब लोगों को? तो मैंने पहले कहा था ये केस स्टडी बहुत डिफिकल्ट है, पर फिर भी आप लोग ये केस स्टडी को सॉल्व कर पाए हैं, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त लेवल पे है। आप में से जो भी लोग इस पूरे के पूरे वीडियो को, आप में से जितने भी लोगों ने सॉल्व किया है, 10 लोग फिलहाल मुझे लाइव दिख रहे हैं, 2-3 लोग ऊपर नीचे प्लस माइनस, तो आप सभी लोगों ने इसे बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, ठीक है। तो आई होप पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ तक मेरी तरफ से क्लियर है, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। सृष्टि जी ने क्वेश्चन पूछा था पिछले वाले का कि इंस्टीट्यूट ने 2 रुपये के हिसाब से बुक किया था ऑप्शंस का वैल्यू, एक बार मैं फटाफट वो वाला पॉइंट कवर कर लेता हूँ। 2 रुपये के हिसाब से उन्होंने एक्सपेंस बुक किया है, 2 रुपये के हिसाब से,
ईशॉप के अंदर में एक्सपेंस 2 रुपए के हिसाब से बुक किया गया है। फटाफट देख लेते हैं कहां पे है भाई ईशॉप। यहां पे ऑप्शन का प्राइस 20 रुपए दिया गया है, ठीक है, और शेयर का प्राइस 18 रुपए दिया गया है, तो 20 ही रुपए होगा। 2 रुपए इंस्टीट्यूट ने यहां पे टाइपिंग मिस्टेक किया है, यहां लिखा होना चाहिए था शेयर प्राइस का फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। तो ऐसे 2 रुपए का फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन की बात होना चाहिए था। एक्सपेंस पूरा 20 रुपए के हिसाब से होना चाहिए था, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से गलती है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होता है? एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस। एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस के डिफरेंस को ही फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलते हैं। जब ऑलरेडी इंस्टीट्यूट फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन की बात कर रही है, तो फिर मैं 2 रुपए पे अकाउंटिंग क्यों करूं? मैं पूरे के पूरे वैल्यू के ऊपर अकाउंटिंग करूंगा, ठीक है। तो सृष्टि जी, ये इंस्टीट्यूट का टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ऑप्शन प्राइस ही लिखा है, तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन द टू, शेयर प्राइस एंड एक्साइज प्राइस, तो अपन पूरा 20 रुपए ही लेंगे, वैसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर। थैंक यू, एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग जो भी सेशंस ले रहे हैं उसका लाइव नोटिफिकेशन